प्रोग्राम शुरू कर देंगे। जी, मैं सभी संगीत प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज के हमारे अतिथि वक्ता पंडित संदीप घोष जी हमारे समक्ष आ चुके हैं और आज हमारे दो व्याख्यान हैं। शुरू में पंडित संदीप कुमार घोष जी का है और दूसरा व्याख्यान डॉक्टर रेणु जोरी जी का है। तो मैं सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं हमारे संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह जी से निवेदन करता हूं कि वे इस व्याख्यानमाला को आरंभ करने की अनुमति प्रदान करें। दो शब्दों से आशीर्वचन दें। धन्यवाद प्रमेश। आपका आखिरी शब्द सुनाई नहीं पड़ा। जी, मैं बस निवेदन कर रहा हूं कि आप आशीर्वचन से इसका व्याख्यान माला को शुरू करें या अनुमति प्रदान करें। हमसे वरिष्ठ आचार्य लोग यहां पर हैं, मैं आशीर्वचन नहीं आपका स्वागत कर देता हूं। आशीर्वचन और आशीर्वाद तो उनसे हम लोग को मिल रहा है रोज। वाद्य विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत एवं मंच कला संकाय द्वारा आयोजित इस लय ताल प्रज्ञा प्रवाह व्याख्यान माला में मैं वाद्य विभाग के एक सदस्य तथा संकाय प्रमुख के नाते आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज शायद आठवां या नौवां दिन, दसवां दिन है। 10 दिन हो गए ना? हाँ जी, 10 दिन हो गए जी। आज 10वां दिन है और ये लगातार हम लोग सुनते आ रहे हैं विभिन्न विषयों पर, ताल लय ताल के विभिन्न पक्ष पर, घराने से लेकर के पंडित विजय शंकर मिश्र जी का कल बहुत ज्ञानवर्धक व्याख्यान हुआ और बहुत लंबा चला और लोगों ने बड़ी रुचि से इसमें हिस्सा लिया। इसी तरह के हर व्याख्यान अपने आप में अनूठे और ज्ञानवर्धक रहे हैं। आज हमारे बीच मुख्य अतिथि वक्ता पंडित संदीप घोष जी विश्व भारती से और द्वितीय वक्ता के रूप में डॉक्टर रेणु जौहरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जुड़ेंगी। मैं पंडित संदीप घोष जी का बहुत ही स्वागत करता हूं। आपने अपना अमूल्य समय हमारे वाद्य विभाग और संकाय को दिया है, हम सभी आपके बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर रेणु जौहरी जी, मैं एक साथ आभार और धन्यवाद कर रहा हूं क्योंकि बार बार मुझे बोलना अच्छा नहीं है, आप लोगों को सुनना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए डॉक्टर रेणु जौहरी जी जो एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं तबला विषय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, मैं उनका भी बहुत ही स्वागत करता हूं। आज आप दोनों विद्वान के वचन और अपने विषय पर जो व्याख्यान होंगे उनको सुन करके हमारे विद्यार्थी, तबला के विद्यार्थी, अन्य विद्यार्थी और जो भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ और हम सभी बहुत ही लाभान्वित होंगे, ऐसी आशा है। और इतने बड़े व्याख्यान माला को आयोजित करने के लिए मैं प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी को बहुत ही साधुवाद देता हूं क्योंकि ये आसान काम नहीं है 10 दिन तक लगातार किसी व्याख्यान माला को चलाया जाए और वो भी किसी किसी दिन दो दो वक्ता अतिथि वक्ता। अभी हम लोग को समय की कमी पड़ जा रही है, हमारे पास अतिथि वक्ता इतने गुणी विद्वान और हैं तो हम लोग ये कार्यशाला और भी दो तीन चक्र में इसको आगे ले जा सकते हैं और हम लोग की कोशिश होगी। अभी कुछ दिनों बाद फिर हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम और लोगों से भी जुड़ सकें और जो एक विश्वविद्यालय की गरिमा के अनुरूप और संगीत संकाय की जो प्राचीन गरिमा और हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वाचार्यों ने जो हमको बना के दी है उसको हम लोग यथास्थिति रख पाए और जैसी विश्वविद्यालय की गरिमा है उसी अनुरूप हम लोग व्याख्यान माला आयोजित करके विद्यार्थियों को और संगीत जगत को, क्योंकि ये व्याख्यान माला जब लाइव जाती है फेसबुक पर तो इसको आज ही नहीं आगे आगे भी लोग इसको सुन सकते हैं और ये हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है,
इसलिए हमारी वाद विभागा अध्यक्षा प्रोफेसर संगीता सिंह जी, इसके बहुत इनको मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने सभी विषयों के व्याख्यानमाला को उतनी ही अहमियत दे करके, उतनी महत्ता दे करके आपने उन सभी को बहुत ही उत्साहवर्धन किया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और सभी का फिर से पुनः स्वागत करता हूँ। बहुत से विद्वान जुड़ चुके हैं, प्रवीण जी बताते रहेंगे कौन कौन से विद्वान जुड़े हैं हम लोग से। पुनः सभी को धन्यवाद, आभार। धन्यवाद सर। पंडित संदीप कुमार घोष जी, संगीत भवन विश्व भारती शांति निकेतन के वरिष्ठतम प्राध्यापकों में से एक हैं और आपकी बहुत लंबी संगीत यात्रा रही है और दादा का जो स्वभाव है, दादा का जो नेचर है वो आर्टिस्टिक नेचर है और मैं कई बार उनके साथ मिला हूँ और मैंने जितनी बार उनके साथ भेंट की है उतनी बार इतने गुणों की बात हुई, इतने अच्छी अच्छी बातें उन्होंने की और क्यों ना हो वो पंडित शंकर घोष जी के वरिष्ठ शिष्यों में से है। आपने कई महान कलाकारों से, आपने तबला ही नहीं पखावज के भी आप कलाकार हैं तो तबला और पखावज दोनों की शिक्षा आपने ली है। आप पंडित शंकर घोष जी के तो वरिष्ठ शिष्य है ही हैं और साथ में ही पखावज आपने स्वर्गीय राजीव लोचंडे जी से सीखा और हमारे बनारस से भी दादा का बड़ा संबंध है क्योंकि हमारे स्वर्गीय विठल दास गुजराती जी के आप शागिर्द रहे हैं, उनसे आपने पखावज की विधिवत तालीम ली है और पंडित स्वपन कुमार घोष जी से आपने पखावज सीखा है और अनिल कुमार घोष जी से आपने गायन भी सीखा है। तो दादा आकाशवाणी से नियमित कलाकार है, तबला और पखावज दोनों वाद्य के और मैंने जैसा बताया शांति निकेतन, विश्व भारती शांति निकेतन के वरिष्ठतम प्राध्यापकों में से एक है और कई दशकों से आप वहाँ पे तबला अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। आपके कार्यक्रम हिंदुस्तान के लगभग सभी बड़े बड़े मंचों पे हो चुके हैं, गोल पार्क, रामकृष्ण मिशन, बंगिया संगीत परिषद, सत्संग आश्रम, सप्तक और विश्व भारती के जितने भी सांगीतिक प्रोग्राम होते हैं वो सब आप ही के माध्यम से संचालित होते हैं और विदेश यात्रा फ्रांस और बांग्लादेश सहित कई देशों की यात्रा आपने की है। दादा ने कई आर्टिकल भी लिखे हैं और इतने महत्वपूर्ण तबले के उनके आर्टिकल कई प्रतिष्ठित संगीत पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं और हमारे संदीप घोष जी की दो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आपने लिखी है तबले के विषय में, फरुखाबाद तबला घराना और भारतीय संगीत नाना दृष्टिकोण, ये दो पुस्तकें आपकी है और हमारे संदीप दादा फरुखाबाद घराने के हैं। जैसा कि हमने अभी बताया कि आप पंडित शंकर घोष जी के वरिष्ठतम शिष्यों में से है और पंडित शंकर घोष जी की जो पुस्तकें मिलती हैं वो भी आप ही के द्वारा लिखी गई है क्योंकि वो गुरु शिष्य परंपरा के तहत ये वो बोलते थे और दादा उसको लिखते थे, तो जो लेखन कार्य हुआ है वो दादा ही के हाथों से हुआ है, जो पंडित शंकर घोष जी की जितनी क्रिएटिविटी के वर्क हुए हैं। तो मैं पंडित संदीप घोष जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि वे दादा का दो शब्द के माध्यम से स्वागत करें और उनके सम्मान में वो जो सम्मान पत्र हम अपने विश्वविद्यालय से उनको भेंट कर रहे हैं उसका वाचन करें। प्रोफेसर संगीता सिंह जी। मैं सभी गुरुजन विद्वजन को इस व्याख्यान माला में प्रणाम करती हूँ, स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ और आज बहुत गौरव की बात है कि वाद्य विभाग में पंडित संदीप घोष जी का जो हम ज्ञान है हमारे सारे विद्यार्थी जरूर बहुत ही लाभ करेंगे। मैंने आपका बहुत नाम सुना है, तबला भी सुना है, मुझे तबला विषय बहुत पसंद है और मैंने आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपका आज जो जीवन का अनुभव है, ज्ञान है जो आपने अपने गुरुजन से पाया है, आज इसका जरूर ही हमारे सारे
जितने भी विश्वविद्यालय हैं, मैं केवल बीएचयू की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन इस ऑनलाइन शिक्षा एक तरह की चल रही है और इसमें सब लोग हजारों हजारों की संख्या में सब जुड़ के जितने भी तबले विषय के विद्यार्थी है बहुत ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए मैं वाद्य विभाग की ओर से आपके सम्मान में ये सम्मान पत्र पढ़ती हूँ। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय बीएचयू द्वारा 28 जून से 8 जुलाई 2020 तक आयोजित लय ताल प्रज्ञा प्रवाह व्याख्यान माला में पंडित संदीप घोष जी ने अपने उत्कृष्ट ज्ञान व वक्तव्य से संगीत जिज्ञासुओं को अभिसिंचित किया। वाद्य विभाग आपके इस अमूल योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है व आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। मैं पुनः बार बार मैं कृतज्ञ हूँ, वाद्य विभाग की ओर से मैं कृतज्ञता व्यापित कर रही हूँ। सर आप हैं मंच पे और निश्चित ही बहुत ही सुंदर आज आपका व्याख्यान होगा और सब हम सभी लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद, मैं मंच प्रमीप जी को दे रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज के हमारे अतिथि वक्ता पंडित संदीप घोष जी को निमंत्रित करता हूँ कि दादा आए और मैं स्वागत करता हूँ उनके सुपुत्र यशस्वी तबला वादक जो उनके साथ उनका साथ देंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं दादा से निवेदन करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। नमस्कार जी दादा, हिंदी में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ आप जानते हैं, इसलिए मैं जो कहना चाहूँगा खास करके इंट्रोडक्शन के रूप से वो मैं थोड़ा लिख के रखा हूँ, बाद में जब डेमोन्स्ट्रेशन करूँगा तो थोड़ा तो बातचीत होगा वो अलग बात है, लेकिन शुरू में जो है वो थोड़ा लिख के रखा हूँ अगर सभी से अनुमति लेता पहले थोड़ा लिख के रखा। सर्वप्रथम मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रिसेप्शन वाइस चांसलर सर को मेरा विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ। मेरा हार्दिक प्रणाम निवेदन करता हूँ प्रोफेसर राजेश जी को, दिवागत अध्यक्ष प्रोफेसर संगीता जी को और ये सेमिनार का सूत्रधर और तबले का प्रधान प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी को। ये तालबा अध्यक्ष के ऊपर जो सेमिनार 10 दिन से चल रहा है उसमें उन्होंने मुझे शामिल किया, इसलिए मैं उन सब को आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा प्रणाम उन सब विद्वानों और कलाकारों को जिसने ये व्याख्यान माला में भाग ले रहे हैं और कॉलर जो है सबको मेरा शुभकामना देता हूँ। इन दिनों बहुत बड़े बड़े विद्वानों और कलाकारों ने अच्छे अच्छे टॉपिक पर बोल कहे हैं जो कि हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, ये तो कहना ही पड़ेगा, मैं भी सुन रहा हूँ। मैं मेरा टॉपिक पर अगर दो शब्द बोल पाया तो ये आप सबका आशीर्वाद है। सर्वोपरि मैं मेरा गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और मेरा सीता माता और श्री हरि का आशीर्वाद लेना चाहूँगा। पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं हिंदी में उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, फिर भी उम्मीद रखता हूँ कि आप सब गुणीजनों के साथ थोड़ा चर्चा करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वो है कि दादा ठीक से साउंड आ रहा है ना? बहुत बढ़िया आ रहा है दादा, बहुत बढ़िया। वो है कि इंग्लिश हिंदी बंगाली उर्दू जो भी हो लैंग्वेज, संगीत का एक अलग भाषा होता है, उसमें जब हम शामिल हो जाते हैं तो कम्युनिकेशन अपने आप बन जाता है। ये मेरा ख्याल से ऐसा ही होता है क्योंकि मैंने अलग अलग प्रदेश में या विदेश में जब गया है तो कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। क्योंकि संगीत जब होता है तो सब राग संगीत हो जो भी हो या नृत्य हो जो भी हो। ये जो व्याख्यान माला का उद्योग लिया है आप सबने विश्वविद्यालय की तरफ से, ये बहुत ही उचित है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से में जो विद्वान विदेशी कलाकार या शास्त्रज्ञ रहते हैं
उनका जो भावना है वो सुनने का मौका तो ज्यादा नहीं मिलता। जब ऐसा मौका आता है, ये जो दर्शन माला है, ये जैसा मौका जब आता है तो सबको सुनने का, सबका साथ शेयर करने का वो मौका हमको मिलता है सबको। और जो चीज हमारा दिल में काम करता है, जो चीज हम इतने दिन संगीत सीख कर, तालीम लेकर, संगीत पर चर्चा करकर जिद आता है, भावना आता है, सबके साथ शेयर करने से या सबसे ज्ञान लेने से वो मजबूत होता है। खास करके प्रोफेसर प्रवीण जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसा एक टॉपिक चुना है चाहे वो ही कोई बने, जिसने ये बड़ा करके सोचा है तो बड़े दिल वाले होंगे कहना पड़ेगा। शुरू से पहले मैं अपना गुरु महान तबला राघव शंकर घोष जी को मेरा विनम्र प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा उनके पास, उन्होंने मुझे ताल लय के बारे में, संगीत के बारे में मुझे जो कुछ दिखाया। आज अगर वो सब कह पाऊंगा तो वो उनके बदले। मेरा लेक्चर का दो पार्ट है। पहले मैं तिहाई के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन करूंगा, सूत्रों को लेके कुछ कहना चाहूंगा और उसके बाद उदाहरण स्वरूप कुछ चीज डेमोंस्ट्रेट करके दिखाने का कोशिश करूंगा। तिहाई के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पहले मैं कर लेता हूँ। वैदिक युग से भारतीय संगीत को अलग अलग रूप से हम लोगों ने देखा। वैदिक युग के बाद गंधर्व युग, उसके बाद प्रबंध संगीत, एक बड़ा बदलाव आया मध्य युग तथा मुस्लिम युग से। इससे पहले हमारे संगीत का मुख्य उद्देश्य था ईश्वर भजना, ईश्वर को निवेदन करते थे हम संगीत के माध्यम से। लेकिन मध्य युग से शुरू हुआ खास करके दरबारी संगीत हो गई, जिसमें सिर्फ इंटरटेनमेंट मुख्य हो गया। एक अलग सेक्शन भी था जो मंदिर केंद्रित संगीत जिनको कहा जाता है, तब जो कलाकार थे मुसलमान कलाकार जो थे वो उनको हवेली संगीत कहते। दरबारी संगीत के साथ जो कलाकार अटैच होते थे, जुड़े हुए होते थे, सभी प्रोफेशनल थे और उनके ही हाथों से ये तिहाई जैसा चीजों का डेवलपमेंट हुआ, ये अनुमान किया जा सकता है। रूपारंग संगीत में लयकारी है, बाट बोलतन सभी है, लेकिन तिहाई का उतना महत्व नहीं। पखवज में भी ये कहा जा सकता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि पखवज में तिहाई को लेकर इतना दिमागी चर्चा नहीं होता जितना खास करके तबले में या उत्तर भारतीय जनता संगीत में होता है। तबले में भी आप देख सकते हैं कि आज से हम सब जानता हूँ कि 50-60 साल पहले तबला का जो माहौल था उसमें बंदी से बहुत अच्छा अच्छा बजता था, लेकिन तिहाई को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। आज के जमाने में जो होता है तिहाई तब भी था, लेकिन आज के जमाने में जो तिहाई को एक अलग इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, अलग तरीके से सोचा जा रहा है, इतना तो ज्यादा नहीं दिखाई दिया। अब तब पहले सिर्फ मेरा ख्याल से पहले ज्यादा दिल लगाकर संगीत होता था, अब तो दिल और दिमाग दोनों ही लगाना पड़ता है। बेहतर है कि दोनों ही एक साथ लगाए, अगर एक ज्यादा हो गया एक कम, ये बैलेंस नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से दोनों एक साथ लगाना चाहिए। और दरअसल बात यह है कि ये तो होना ही है, क्योंकि जमाने के साथ साथ हम लोगों ने देखे हैं संगीत इतिहास में कि जमाना का साथ रूप के साथ साथ संगीत का रूप बदलता गया। जैसे आप पहले आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं वैदिक युग, गंधर्व युग, प्रबंध संगीत युग, और एक साइड बाय साइड एक साथ वैदिक संगीत का युग थे, लोकल संगीत, एक साथ देशी संगीत, बाद में जो और मार्ग संगीत के साथ जोड़ के
मार्गदर्शी हुआ जिसका ही एक रूप आप भी चल रहा है हिंदुस्तानी संगीत के रूप से, वही इसके बारे में कह रहा हूँ कि युग युग में संगीत का चेहरा तो बदलेगा। पुनः एक कहावत है कि मुंडे मुंडे मतीर भिन्ना कुंडे कुंडे सरस्वती, जमाना का और लोक रुचि का जैसा परिवर्तन होगा जैसा डिमांड होगा उसकी उसी के साथ संगीत और उसकी का इतिहास को बदलने में बदलेगा, ये बड़े लोगों का कहना है मेरा नहीं। अब देखिए तिहाई का मूल विषय है कोई बंदिश तीन बार बजकर सुनकर, ये तीन शंखा हमारे साधारण जीवन में भी देखने को या सुनने को मिलता है, जैसे तीन बार शंकर ध्वनि घंटा ध्वनि, तीन बार हाँ बोल के कंफर्मेशन करना या तीन बार ना बोल के रिजेक्ट करना, ये भी तो तिहाई का एक रूप है। और देखिए कुछ शब्द जिसके साथ तीन शंखा जुड़े हुए हैं, जैसा त्रिगुण पिता त्रिगुण एविंग थ्री प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ नेचर, त्रिदोष त्रिमात्रिक त्रिमुकुट त्रिमुकुट। हम सब जानते हैं ब्राजील ने तीन बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता तो जुलेरिनो का कुंतल हो गया। त्रिसत्य कन्फर्मेशन त्रिसत्य त्रिसंध्या त्रिरात्रि, ये त्रिरात्रि एक कल्चर हमारे यहाँ भी है, शायद आपका इस सब जगह में होगा कि जब हम लोग नया मकान बनाते हैं तो तीन रात्रि वहाँ गुजारना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूटिव थ्री नाइट आइदर ओनली वाइफ और हस्बैंड और टुगेदर, त्रिविद्या त्रिलोक त्रिजामा त्रिदेव त्रिपला ऐसा और बहुत। अब तिहाई शब्द का जो अभिधानिक अर्थ है उसके बारे में भारतीय संगीत कोष निर्मलाकांत राय चौधरी जी का लिखा हुआ जिसका ये किताब पंडित रविशंकर जी ने भी मान्यता दिए थे, उन्होंने लिखा है कि तिहाई का मतलब तृतीयांश एक तृतीयांश मतलब वन थर्ड पार्ट, अर्थात तीन तिहाई को लेकर एक पूरा हो तीन तिहाई, ये तीन तिहाई शब्द से तिहाई नामकरण हुआ है ऐसा उन्होंने लिखा, मेरे ख्याल में भी यही है। हमारे पश्चिम बंगाल में तिहाई का कुछ वर्गीकरण पहले किया था, तिहाई का बीच बीच में जो तरह तरह का अवग्रह दिया जाता है उसके हिसाब से चार वर्गीकरण मिलता है, एक पुराना किताब में पहले वो देखा गया था, बाद में और दो एक किताब में मैंने भी देखा है कि चार वर्गीकरण किया गया था, लेकिन वो बहुत पुराना जमाने का वो नामकरण है, अभी वो नहीं चलता, वो चारों का नाम है श्रुताति जुगल अति जुगल जुगल घाटी जुगल, लेकिन अब ये नाम प्रचलित हुए, वो मेथड है लेकिन वो नाम अभी प्रचलित हुए। अब आऊंगा तिहाई का कोर एरिया में, तिहाई एक बहुत बड़ा एरिया है अनलिमिटेड, जो मैं गुरु के पास 20 साल में सीखा हूँ, वो इतना एक दो घंटा का सेमिनार में पूरा तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ विषय के बारे में कुछ पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किया है वो पॉइंट्स के बारे में जरूर कहूँगा, हो सकता है जो विद्यार्थियाँ है उसका काम आ जाए। एक नंबर है कि तिहाई एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये सब जानते हैं, इसमें जो जितना समझ सके उतना दूर तक वो जा सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं, हर कोई अपना अपना विचार से इनोवेशन से तिहाई बना सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं, सबके पास सब कुछ तिहाई होगा सब अंदाज होगा ये भी नहीं हो सकता, सब हर किसी के पास कुछ कुछ स्पेशल चीज भी होगा। एक देखिए एक दुख की बात है, जब हम लोग कोई बंदेश पेश करता हूँ टुकड़ा भाग चकुरा फायदा या जनता संगीत का कोई भी बंदिश अगर अच्छा लगा तो सबने पूछते हैं किसकी कंपोजिशन है किसकी बंदिश है भाई कौन उत्पाद की बंदिश है, लेकिन तिहाई कितना ही अच्छा ना हो उसके साथ किसी का नाम बुरा नहीं होता, ये ट्रेजिक चीज है, क्योंकि सब जो आजकल हम लोगों ने जो बड़ा बड़ा अच्छे अच्छे तिहाई का जो बर्नट हम लोगों ने सीखा है फिर उसके पास दिया और किसी के पास वो तो तभी किसी ने बड़े कलाकार ने दिया है जैसे बंदिश दिया है, लेकिन वो नाम हम किसी का पता नहीं, बंदिश का भी सब नाम पता नहीं लेकिन उस नाम से जरूर पता है, एक है तिहाई उसके साथ कोई नाम जुड़ा नहीं, दूसरा है काल के ठेका वो भी एक बंदिश है लेकिन काल के ठेका के साथ किसी का नाम जुड़ा नहीं, एक तो ठेका के बारे में मैंने सुना है गुरु जी के पास पंचम सारी या दो एक साल की बाद में जब ठेका बना है उन्होंने
लेकिन पहले जो कारोबार तीन था जहाँ पे अभी तो इतने बना कोई नहीं जानते, लेकिन वो लेके हम लोग इतने दिन से चल रहा है। तिहाई का भी एक ही बात है, एक हो सकता है जो कलाकार महान कलाकार ने ये बनाया उनका साबित चल सकता है, जैसा मेरा गुरु जी का भी बहुत कॉन्सेप्ट है हम लोग जानते हैं उसका, उनका सौभाग्य है कि उनका हमारे सौभाग्य है कि उनका एक किताब है जिसके जरिए हम लोग को थोड़ा थोड़ा सबको मालूम हो रहा है कि उनका कॉन्सेप्ट क्या था, तो वो भी पूरा नहीं कुछ, और हम लोग कुछ जानते हैं कि उनके पास शिक्षा मिलती है। उस्तादों के नाम से जो बंदिश का वेटेज बढ़ता है, तिहाई का वेटेज बढ़ता है उनका बनावट, वो अगर कोई बच्चा भी बनाए कोई नहीं देखने जाएगा, वो सुनने में अगर अच्छा है उनका उसका बनावट अगर अच्छा है तो सब अप्रिशिएट करेंगे। अब तिहाई का तैयारी के बारे में कुछ कहूँगा। बंदिश की तरह मेरे ख्याल से ये सूत्र आप शुरू हुआ, एक एक सूत्र सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन सूत्र नहीं है, तिहाई के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ता है हम जैसा विद्यार्थियों को, कि तिहाई आसानी से हम लोग कर सके या तिहाई के बारे में अच्छी तरह मालूम, इसलिए कुछ चीज गुरु जी भी बताते हैं कि ये सब चीज ध्यान में रख के तिहाई बनाना पड़ता है। उसमें से बंदिश की तरह तिहाई ज्यादा याद करके रखने से बहुत मुश्किल रहती, जब प्रेजेंट करने का वक्त आएगा तो गलती भी हो सकता है, लेकिन उनका फॉर्मेट उसका मेथड उसका फॉर्मूला वो चीज मालूम रखना पड़ेगा, वो तो सीखने का बात है, लेकिन अगर हम 50, 60, 100, 200 तिहाई याद करके रखा तो किसी भी वक्त गलती हो सकता है। लेकिन हाँ, कुछ रेडीमेड तिहाई तो सबके पास होना चाहिए, लेकिन देखिए मैं हम एक तबला वादक होने के नाते ये तो कह सकता हूँ कि तबला का 70-30 दो सेक्शन है, 70% या 80% है सोलो, संगत 20% है सोलो, क्योंकि संगत हम लोगों को ज्यादा करना पड़ता है, संगत को दिमाग में रखते संगत के समय जैसे हम लोग तिहाई का प्रयोग करते हैं, और जो जरूरत आता है कोई भी लॉय कोई भी ताल आ सकता है और कोई भी अंदाज कोई भी भावना मेन जो आर्टिस्ट है उनसे आ सकता है, उनके कंपेयर में हम लोगों के तिहाई प्रयोग करना पड़ता है, उसी हिसाब से मैं ये सब बात कह रहा हूँ। इसीलिए कुछ रेडीमेड तिहाई तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गायन के तरफ से जरूर, क्योंकि वहाँ वक्त बहुत कम मिलता है, छोटे जगह मिलता है वहाँ कुछ, और वहाँ दिमाग लगा कर तिहाई बनाना ये कोई काम की बात नहीं, वहाँ मेकिंग जो तिहाई का है उसका डिटेल जानना पड़ता है। इसके कुछ उदाहरण भी छोटा छोटा मैं पेश करूँगा। पहले मैं ये मुझे कहना चाहिए आप बोल रहा हूँ कि मेरा गुरु जी का ये आइडिया था कि वो हर वक्त बोलते थे कि देखो छोटे से बड़े की तरफ जाओ, पहले छोटा सोचो बाद में मीडियम उसके बाद बड़ा, अगर पहले ही बड़ा में गया तो कभी भी गलती हो सकता है, क्योंकि बड़ा के अंदर सब छोटा तिहाई छुपा हुआ है, अगर छोटा जान लोगे तो बड़ा या मीडियम बनाना आसान होगा, मेथड को अच्छी तरह मालूम होगा। इसलिए उन्होंने कुछ तरीका हम लोगों को बताया था, कुछ किताब में भी लिखा है आप भी देख सकते हैं, ये छोटा छोटा करके तिहाई कैसे हम लोग सोच सकते हैं वो छोटा से बड़ा का तरफ कैसे जाए। आजकल तो एक्सटेम्पो तिहाई का डिमांड बढ़ गया है, यंग स्टार्ट भी ये रास्ते पर चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से संगीत ऐसी एक चीज है जो लोगों के मन में प्रभाव विस्तार करता है उसका एस्थेटिकल अप्रोच, लेकिन सिर्फ गणित से ये होने वाला नहीं, दोनों का परफेक्ट ब्लेंडिंग का सब जरूरत है, नहीं तो वो असर नहीं करने वाला, क्योंकि लोग जो सोता जो है सोता में अगर मैं सोता नहीं होता तो मैं क्या कहता, एक अच्छा साउंड अच्छा रिदम तबले की तरफ से अगर बोले तो अच्छा साउंड अच्छा रिदम कंपोजिशन ये है, लेकिन कंपोजिशन जो हो क्या है तो साउंड ही है, अच्छा साउंड और अच्छा प्लानिंग अच्छा प्रेजेंटेशन ये, तिहाई का मैथमेटिक्स कोई नहीं देखने जाएगा अगर सुनने में अच्छा नहीं लगा,
ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि सिर्फ गणित निर्भर हो गया तो वो तिहाई उतना असर नहीं डाले, तिहाई मात्रा के ऊपर ज्यादा निर्भर करता है। तिहाई ये एक बड़ा सूत्र है कि तिहाई ताल को सोच के नहीं बनाया जाता, ये गुरु जी भी कहते थे कि तिहाई सीखो ताल को बाद में देखेंगे, क्योंकि एक ही तिहाई हर ताल में तो होता है, अलग अलग जगह चेंज करते हैं कि अलग अलग जगह से लेगा, ये एक ही तिहाई जो दस मात्रा का त्याग सोम से हुआ सोम तो सोम हुआ छह काल में वो तीन काल में छह मात्रा छोड़ते एक ही चीज, लेकिन हाँ चक्रधार के वक्त में ये ताल को सीखना पड़ता है। लेकिन छोटा मीडियम जो त्याग है वो हम लोग हर वक्त अगर छोटा त्याग ज्यादा याद करके रखेंगे, ज्यादा सीखेंगे, ज्यादा होमवर्क करेंगे, तो जब हम लोग बजाएंगे संगत करेंगे गौरव करेंगे या सोलह संगत कुछ भी हो वो वक्त में हम लोगों को ज्यादा काम में आएगा। इसलिए बोल रहा था कि तिहाई मात्रा के ऊपर ज्यादा निर्भर है, ताल के तो उतना नहीं, लेकिन बंदिशी चीज अक्सर ताल के ऊपर निर्भर चीज है। बंदिश जो है टुकड़ा चटोदार घास खाजा लग सब ताल के ऊपर, दो तीन चार पांच छह मात्रा का छोटा तिहाई या ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोगों ने तैयार किया सीखा तो हम लोग बड़ा तिहाई बना सकेंगे, वो आसान हो जाएगा। आप जो सूत्र जो तिहाई का सूत्र जो बोल रहे हैं सूत्र मतलब क्या, इंग्लिश में अगर क्लू बोलेंगे तो एक केस चल रहा है, तो क्लू हम क्या ढूंढते हैं कि केस आसान हो जाए, सब कुछ समझ सके कि हाँ क्या है, सब ट्रांसपेरेंट हो, तो वही सूत्र यहाँ भी है। सूत्र मतलब हम किस तरह आसानी से तिहाई बना सके, तिहाई मतलब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं, उसके पीछे और बहुत कुछ है, जैसे मैंने बोला कि एस्थेटिकल अप्रोच भी है, वो भी है तिहाई। तो संगीत सबसे ज्यादा निर्भर चीज है लय पर, ये एक चीज ये भी सीखते हैं कि संगीत सबसे ज्यादा निर्भर चीज है लय पर, इसलिए सावधान रहना पड़ता है हम सबको, क्योंकि लय के परिवर्तन के साथ एक ही तिहाई का अलग अलग सिहारा दिखाई देता है। मतलब एक आठ मात्रा का तिहाई ध्रुत में जो आठ है मतलब में वो चार विलक्षण दो, हमने सोच के रखा है आठ मात्रा तिहाई आ रहे विलंबित में जा रहे भाई तो दो मात्रा में आ गया, तो ये होना ही है क्योंकि ये जो लय है लय के सतत मात्रा परिवर्तन मात्रा का स्थायित्व परिवर्तन होता है, मात्रा का अंदर का कंटेंट परिवर्तन होता है, इस तरह से यह भी बदल जाएगा, ये भी दिमाग में रखना। हम लोग जब आप जो हम लोग जिस जगह पर है आप बड़े बड़े विद्वान हैं कलाकार इन आप सबके लिए भी, लेकिन जो विद्यार्थी है इसके लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मैं भी तो एक स्टूडेंट ही था, अभी भी विद्यार्थी हूँ, लेकिन जब सिर्फ स्टूडेंट ही था तब ये लेके बहुत सोचना पड़ता था, पहले ये समझता नहीं था, बाद में गुरु जी का कृपा से और सोच सोच के ये सब हम लोगों ने सीखा है कि लय के साथ साथ तिहाई कैसे परिवर्तन करेंगे। कादा रेला जैसा थीम एंड वेरिएशन रूप का कंपोजिशन का तिहाई बदलता रहता है, लेकिन छोटा बंदिश में तिहाई यक्षिक और है, टुकड़ा चक्रधार ये सब जो है इसमें तिहाई यक्षिक पाठ है, इसको हम बदल नहीं करेंगे, लेकिन कादा रेला में बदल चुके हैं। तिहाई एक ऐसा चीज है जो किसी के साथ जोड़ के ही रहता है, कभी कादा कभी रेला कभी टुकड़ा कभी चक्रधार तो कभी विपक्ष, लेकिन सिर्फ कंक्लूडिंग पार्ट होते हुए भी ये चीज को लेके सबसे ज्यादा आजकल चर्चा हो रहा है, ये चर्चा पहले इतना ज्यादा तो नहीं होता था लेकिन वो 40-50 साल से ज्यादा हो रहा है। कुछ जो कलाकारों के योगदान से ये सब चीज हम लोगों को मिला है सोचने को, आज सोचने का जो जगह आया वो उसके लिए कुछ कलाकारों का नाम तो बोलना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से गुरु जी के पास जैसा सुना हूँ और सुनने को जैसा मिला है, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब, पंडित बिरजू महाराज जी, पंडित किशन महाराज जी, उत्तर अल्लाह खान साहब, काल योगी पंडित सुरेश सलवरकर जी, स्वर्गत पंडित शंकर घोष जी जो मेरे पूजनीय गुरुदेव है, सब जाति होते हैं, और इनके अलावा और भी विद्वान है जो इस पर काम किए है या काम कर रहे हैं, इन सब के योगदान से तिहाई आज एक सब्जेक्ट बन गया जो सेमिनार में भी चर्चा का जगह ले लिया। मेरा गुरु जी पसंद करते थे कि तिहाई कैसे आसानी से बनाया जाए वो सब सिखाना जाते कि खुद बना सके,
वही कंसेप्शन को लेके कुछ चीज आज कहूंगा। अगर विद्यार्थी जो है वेबिनार में उनका काम आ जाए तो मेरा सौभाग्य है। मेरा टॉपिक है तिहाई और उसका सुत्सुक। सुत्सुक के मतलब है कि ऐसा कुछ चीज जिससे मूल विषय जो है वो आसान हो जाए। आप विषय देखिए क्या करना है। तो सुत्सुक का रूप से दो एक बात कहते मैं प्रैक्टिकल नहीं जा रहा हूँ कि दोनों तरफ दो तरीके का तिहाई, दो किस्म का तिहाई होता है मेरे ख्याल से। एक एक सूत्र दो किस्म का होगा कि एक है साधारण सूत्र सब में लागू है और दूसरा है स्पेसिफिक कुछ सूत्र जो विशेष विशेष क्षेत्र में लागू है। एक एक करके थोड़ा देख लेता है। पहले कुछ बोल चुका हूँ, पहले है कि तिहाई मात्रा के ऊपर निर्भर होता है काल सूत्र में। लय बदलने के साथ साथ तिहाई का मात्रा परिवर्तन के साथ साथ तिहाई बदल जाता है। अगर कोई छंद या लयकारी लेके तिहाई बना रहा हूँ तो वो छंद या लयकारी का मात्रा का जो स्ट्रक्चर है वो अगर हम लोग मेंटेन करें तो तिहाई आसानी से बनेगा। तिहाई एक गणित है ये सही, लेकिन सिर्फ गणित से संबंधित नहीं होता, इसलिए तिहाई का मेंटेनेंस एस्थेटिकल होना चाहिए। ये भी एक विशेष है। दो तीन चार पाँच छः मात्रा का तिहाई ज्यादा जमना चाहिए क्योंकि इससे तिहाई ज्यादा हम लोग अच्छा बना सकेंगे। तिहाई का संख्या अनलिमिटेड है, कोई ज्यादा तिहाई याद करके नहीं रख सकता। तिहाई का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। दूध में मध्य लय और विलंब बीज में मात्रा का काउंटिंग अलग अलग होता है। अगर एक मात्रा का आप बीज और दाम बीज, ये एक चीज है, एक मात्रा का आप बीज और दाम बीज, जब ये मात्रा ऐसा ताली में हुआ तो जो सशब्द किया निःशब्द किया जो पहले था हम लोग आप वो बोलते नहीं है, लेकिन आप भी डाउन बीट कैसे बोलते हैं, लेकिन दोनों पार्ट होगा, लेकिन दोनों पार्ट में सिर्फ दो ही नहीं, इसमें चार भी हो सकता है। उसमें पांच एक मात्रा के अंदर एक दो तीन चार पांच छह सात कोई भी कंटेंट हो सकता है, उसको अनुमात्रा कहके बोलते हैं। तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है, उसको लेके थोड़ा उदाहरण में बदलूंगा। अंत में ये कहना पड़ेगा कि यह गणित की मामला है, लाखों तिहाई अब तक बना है, लाखों तिहाई बनेगा भी, अलग अलग सोच विचार है, अलग अलग अंदाज है। मैं सिर्फ कुछ भावना, मेरा गुरु जी का कुछ भावना तैयार कर रहा हूँ। सब उपस्थित विद्वानों और कलाकारों के पास कुछ अलग अलग रास्ता जरूर है। सबको मालूम नहीं भी हो सकता है, सब तिहाई सबको मालूम नहीं भी हो सकता है, लेकिन सबके साथ शेयर करने से ये सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होगा, ये करना पड़ेगा। कुछ उदाहरण स्वरूप मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा और इसमें और कुछ पॉइंट था, लेकिन ज्यादा कहने से तो वक्त इतना ज्यादा नहीं है क्योंकि इसके बाद और सेमिनार है। लेकिन फिर एक बार दोहरा रहा हूँ कि मेरा गुरु जी का कंसेप्ट, प्रवीण जी ने बार बार बोला है कि गुरु जी का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा फोकस में रखेंगे, इसलिए कि उन्होंने जरूर पढ़ा होगा उनका पिता या उनके साथ उनका कोई इंटरेक्शन हुआ भी होगा कि तिहाई के बारे में उनका जो ख्याल था। आज अगर गुरु जी होते तो उनको बहुत अच्छा लग गया कि इस तरह का काम हो रहा है सेमिनार में भी। उनका जीते जी का भी तिहाई के बारे में कोई सेमिनार मुझे तो सुनाई नहीं है, काल के बारे में सेमिनार बहुत पहले से मैं सुना हूँ उनके साथ जाकर, लेकिन तिहाई के बारे में उनका बहुत कुछ कॉन्सेप्ट था, लेकिन तिहाई का कुछ सेमिनार कभी तो मुझे सुनाई नहीं दिया। जो प्रवीण जी ने, राजेश जी ने, संगीता जी ने आज ये अरेंज किया है, ये सचमुच तेजोदी और हम लोग जो विद्यार्थी है सबके लिए एक अच्छा है, एक प्लेटफॉर्म है। तो अब मैं उदाहरण के स्वरूप कुछ चीज पेश करूंगा छोटा छोटा करके, ज्यादा उदाहरण, ये एक अनलिमिटेड सब्जेक्ट है, जितना भी हम करेंगे बहुत सुंदर जाएगा। और वो बड़ा बड़ा चीज जो है उसके बारे में जो विद्वान कलाकारों यहाँ बैठे है सबने बहुत काम करके दिया है, मैं थोड़ा छोटा से शुरू करता हूँ, हो सके तो थोड़ा कुछ बड़ा चीज बता सकूँ अगर टाइम मिला तो।
लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स सुन लिया है कि उस पर काम करेंगे। सबको अगर ले लिया तो खत्म तो नहीं होगा, सब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए थोड़ा मैं छोटा छोटा कुछ जगह लिया हूँ, मेरा गुरुजी का कॉन्सेप्ट और मैंने कैसे सोचा है ये मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पूरब का हूँ, फरुखाबाद होते हुए भी पूरब तो है, फरुखाबाद ही पूरब। तो शुरू मैं थोड़ा उठन जैसे चीज को लेके बाद में पेशकार के अंदर से गुरु जी का भरना शुरू करूँगा। जी बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है, बहुत बढ़िया। आज अब थोड़ा उदाहरण, हाँ जी जी उदाहरण दे दीजिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए तो उससे।
बहुत बढ़िया साउंड आ रहा है, बहुत बढ़िया। Thank you.
दादा थोड़ा लहरे लहरे के वो साउंड से आपकी आवाज दब जा रही है। अच्छा। मशीन के साउंड से। हाँ जी 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 वो जो है संगीत का एक चीज है ग्रह, तो हमारा प्रधान ग्रह है सोन। तो अगर ये जो गाना जो गाने का जो बंदिश है उसका मुखड़ा अलग अलग जगह से लिया है, जन तो संगीत का मुखड़ा अलग अलग जगह से लिया है, लेकिन तबले में पकड़ सोन। तो अभी अगर अलग जगह ग्रह बना के हम लोग जो है वहाँ जब से सुन में आए मुकाम दे तो कैसा होगा, थोड़ा एक उदाहरण। दादा थोड़ा सा लहरे की वजह से थोड़ा सा ना आवाज आपका क्लियर नहीं आ पा रहा है, अभी वो जो आप अभी कह रहे थे उसको थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए, थोड़ा सा थोड़ा दूर में रखते हैं, देखते हैं। जी 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 उसके साउंड को कम ज्यादा करते रहिए। आप ठीक है? हाँ जी हाँ जी। आप देखिए अगर जरूरत पड़ेगा, लेकिन ये सबसे कम है। जी जी अभी जो आप कह रहे थे उसको थोड़ा रिपीट कर दीजिए, आप क्या कह रहे थे वो? तो ये काम करते करके हेडफोन। हाँ हाँ हेडफोन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। लंबा काम बंद कर हेडफोन लंबा लगी। ठीक चल रहा है दादा, आप तो बोलिए उसको कम, एक साउंड तो कम ज्यादा करते रहिए। देखिए आप क्या वो जो मैं के बारे में बोला वो तो आपको ना आप आठ लाइन में डेढ़ नहीं उसको रिपीट कर दीजिए, वो लहरे की वजह से सुनाई नहीं दिया था। अच्छा जो मैं बजा रहा था वो सुनाई दिया ना? हाँ वो सुना रहा था। आप क्या किए, आप जो कह रहे थे ना कि और एक बार मैं बजा रहा हूँ तो फिर बोल रहा हूँ जी। ये तेरा मतलब हम आखिर तिहाई तेरा मतलब में आया वहां से मुक्त इसे सुन लो, मतलब तिहाई एक ही है जगह हाँ। बदल तो ये जैसा गाना में या गाने का बंदिश में सात मात्रा से पांच मात्रा से नौ मात्रा से बारह मात्रा से अठारह से बंदिश होता है जंत्र का भी,
तो अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया से सुना रहा है। आजकल ये होता है, आगे अगर किसी ने नहीं भी सोचा, लेकिन आजकल जो यंग स्टार्स है वो भी ये लोग ये सब कर रहा है। गुरु जी ये करते थे, आप देखिए आड़ी जड़ी लय में थोड़ा पिस्ता गुरु जी पसंद करते थे, अलग अलग लयकारी में पिस्ता बजाना, थोड़ा मैं कोशिश कर रहा हूँ उसमें सिखाई आएगा। हाँ जी आ रहा है।
चार भी हो सकता है, पांच, आठ, ग्यारह, चौदह, सोलह, इस तरह यही होते जाएगा पांच में। छोटा दो देखिए, दादा इसमें 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 केस ढंग से आपने सोचा ये थोड़ा सा व्याख्या कीजिए उसकी, क्योंकि इस ढंग से हम सुनते तो रहते हैं परफॉर्मेंस में इस तरह की तैयारियां, लेकिन इसके पीछे का सोच जो है वो आप क्या सोच रहे हैं और क्या सोचा गया है? आप बहुत अच्छा प्रश्न है, ये देखिए, हाँ,
दोनों तरीके से ये तिहाई हो चुका है। ये जो चौदह अध्याय मैंने भेजा अब तक मैं कह रहा था कि छोटा छोटा तिहाई करके हम बड़े में जाएंगे, तो यह भी छोटा है लेकिन जो अलग तरीका एक है कि जब मूड बना तो हमने पांच बजा सोच समझ के, तो ऐसा आप जब हो रहा है कि मैंने सोच के मैंने बताया कि ये बजाऊ ये बजाऊ, अगर कोई मठ में बैठ के ये काम नहीं सोच सकता, अगर मौका मिल गया तो बजा दी, तब जो तिहाई बनता है वो मूल से बनता है, तो वो तिहाई मैंने अब बजा। आप देखिए और अलग तरीका भी है बजाने का, लय द्रुत रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, विलंबित में थोड़ा आवर्तन ज्यादा चला जाता है। ये लय है ना विलंबित की द्रुत कर लेते हैं क्योंकि समय भी हो रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ, क्योंकि इसमें आवर्तन जा रहा है। इसके बाद जो है सर छोटा छोटा है वो तो लाने करूंगा। जी जी Thank you.
वो जो अवग्रह कम होते जाते हैं और जो तिहाइयों का जो वर्गीकरण आपकी बात आपने शुरू में करी थी, तो उसका थोड़ा सा उदाहरण दे देते तो जल्दी से वो चीज क्लियर हो जाती है ना। नहीं टाइम दादा क्या है ना, लगभग होने आया है, तो मैं ये चाह रहा था कि आपसे रिक्वेस्ट था कि थोड़ा जल्दी आप करो। तो बात मैंने बोला था कोई चीज थोड़ा और ऑपरेट का तैयारी के बारे में थोड़ा बोल के दूत में चला जाता हूँ। जी जी ताली से हम लोग तिहाई लेते हैं, छोटा छोटा तिहाई दो तीन चार पाँच छह और उसके लिए बड़ा और ऑफिस से तिहाई लेता है, दोनों चीज थोड़ा थोड़ा करके मैं दिमाग से कर सक अलग जगह जा रहा हूँ। सब लोग लिख रहे हैं कि जब बजा रहे हैं आप ना तो वो थोड़ा सा वॉइस समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा पढ़ंत कर देते फटाफट तो ज्यादा और अच्छा हो जाता, क्योंकि तबला से तो बहुत अच्छा वही चीज आपसे सुन ली विलंबित में, थोड़ा सा द्रुत वाले में वही चीज को थोड़ा सा पढ़ंत कर दीजिए। जी 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 हाँ पढ़ने में साफ साउंड आ रहा है। अच्छा ठीक है, दा अब देखिए मध्य लय का हाँ वो जो ऑफबीट का है 16 मात्रा में गाता हूँ, आज छोटा में नहीं जा रहा हूँ, वक्त कम है, एक 16 मात्रा की है सोच लीजिए, उसमें एक मात्रा को चार समझ के हर पॉइंट से तिहाई, मतलब पहले ताली से पूरा 16 मात्रा, उसके बाद वन फोर्थ छोड़ के एक मात्रा का वन फोर्थ छोड़ के तिहाई होगा पूरा, उससे पूरा 16 मात्रा, उसके बाद हाफ छोड़ के एक मात्रा का हाफ छोड़ के तिहाई, उसके बाद थ्री फोर्थ छोड़ के तिहाई, तभी 16 का पे देखिए थोड़ा पहले सिंगल में बात में डबल में देन देन ना देन देन ना
फिर क्या करेंगे ना, आपका एक सेशन फिर से रखेंगे अच्छे से, क्योंकि आज टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है और हमारे जो अगली वक्ता हैं वो भी आ गई हैं, और तो हम इसको अच्छे से, क्योंकि काफी क्वेश्चन भी बहुत सारे आ गए हैं, तो हम लोग, मुझे लग रहा है कि ये एक सेशन आपके लिए थोड़ा सा और बड़ा रखना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि हम आगे आपसे ये इस चीज को और अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपने तिहाई के तीन के महत्व को बहुत अच्छे से बताया, और आपने कहा था पहले दिल से तबला बजता था, दिमाग से बजने लगा, तीन के महत्व को समझाया, अवग्रह से वर्गीकरण आप लोग तिहाई का करते हैं, ऐसा आपका वो था, और तिहाई से तिहाई मतलब का कंपोजिशन का जो रचनाकार होते हैं उसका नाम नहीं जुड़ा होता है, ऐसा आपका कहना है कि से के बारे में भी बताया कितने याद होंगे जी, मेरा आ रहा है साउंड, अभी आ रहा है, आया साउंड, अच्छा जी जी जी, तो दादा आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई, और लय परिवर्तन से किस तरह से आठ मात्रे की तिहाई चार की हो जाती, दो की हो जाती, तो वो एक्सपीरियंस दूसरा हो जाता है छोटे से बड़े तिहाई के रूप में, और तिहाई सोचते समय गणित ही को ध्यान ही रखना है, उसके एस्थेटिकल उसके पोएट्री को भी ध्यान में रखना है, ऐसी बहुत सारी आपकी बातचीत आपसे हुई, और जो अणुमात्रा वाला जो अवग्रह वाली जो बात है, जो अवग्रह से अलग अलग अवग्रह से तिहाई किस तरह से उठती है, उसको आपने बताने की वो किया, और अलग अलग जातियों में किस तरह से अवग्रह का प्रयोग करके उसके रूप बन सकते हैं अलग अलग मात्राओं से, तो और मुखड़े पे कैसे आना, चार मात्रा की तिहाई है तो वो तेरहवीं मात्रा से यदि मुखड़ा बन रहा है पेशकार का तो उसमें तिहाई का कैसे आना, तो ऐसे बहुत सारी चीजों पे दादा, लेकिन ये अधूरा रहा हम लोगों का काम, अभी आपसे उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने का लिए हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे, तो जाना जरूर जरूर मैं तो अभी आप हम जुड़े रहेंगे, हम औपचारिक धन्यवाद तो आपको बाद में देंगे, और हम अभी हमारी अगली वक्ता डॉक्टर रेणु झोरी जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और रेणु जी
हमारे उत्तर प्रदेश की हैं और उनका बरेली में जन्म हुआ है, उनका शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई है, और साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय से आपने सब एजुकेशन किया है। और रेणु जी का व्यक्तित्व है कि आप शोध निर्देशन में आप बहुत इंटरेस्ट लेती हैं और आपके निर्देशन में खूब रिसर्च कार्य हुआ है। आपकी 9 पुस्तकें लगभग छपी हुई हैं और लगातार ये पुस्तकों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनका लेखनी में भी बहुत इंटरेस्ट है, योगदान है संगीत के लिए। और तबला दिवस संगीत समारोह हम कई वर्षों से सुन रहे हैं, 2014 में आपने शुरुआत किया था पंडित शामता प्रसाद दुधई महाराज जी के स्मृति में ये तबला दिवस के रूप में मनाया जाता है, और हर साल उसमें महान महान कलाकार सब लोग आते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी परंपरा आपने शुरू की है। आप देश के सभी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में विशेषज्ञ के रूप में आप बुलाई जाती हैं, और आप उनकी बोर्ड ऑफ स्टडी की कमेटियों में आप सदस्य हैं, और आप कार्य परिषद की भी सदस्य हैं, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण समितियों में आप सदस्य हैं। वो आप के कई विद्यार्थियों के शोध पत्र भी और कई पुस्तकें भी आपके विद्यार्थियों को प्रकाशित हुए हैं, तो रेणु जी का जो कंट्रीब्यूशन है शास्त्र को लेकर भी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रायोगिक पक्ष पे तो आप अपनी शिक्षा दे ही रही हैं विद्यार्थियों को। तो हम समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, और रेणु जी का जो बायोडाटा है वो काफ़ी है, क्योंकि इतने वर्षों से आप लगी हुई हैं, और आपने बहुत बड़ी विदुषी जो हैं जिनको मैं बहुत सम्मान के साथ कहता हूँ, तो कुछ दिन दो दिन पहले हमने वसुधा सक्सेना जी को भी सुना था, उनका भी शोध कार्य डॉक्टर शशि भारद्वाज मैडम के अंडर में ही हुआ था, तो आपका बहुत योगदान है शोध के क्षेत्र में। और आप पद्म विभूषण पंडित शामता प्रसाद जी के ज्येष्ठ पुत्र, प्रसिद्ध तबला वादक पंडित कुमार लाल मिश्रा जी की आप सुयोग्य शिष्या हैं, और आप बनारस घराने से संबद्ध रखती हैं, बनारस घराने के प्रचार प्रसार के लिए अग्रसर रहती हैं। तो मैं रेणु जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और आपके स्वागत के लिए मैं हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आपके सम्मान में एक सम्मान पत्र का वाचन करें, और उसके बाद हम ये व्याख्यान शुरू करेंगे। मैडम आवाज नहीं, वहां से साउंड खोल लीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आ गई साउंड, आ गया। मैं मैडम को प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मैडम मैं जिस विश्वविद्यालय की मैं छात्रा रही हूँ तो मैडम भी वहाँ हैं, तो उस नाते से मैं एक छात्रा हूँ उनकी। मैं उनके सम्मान में बस ये देखती हूँ कि जैसे एटला चलो, अकेले ही वो चल करके इतने बड़े बड़े कार्यों को कर रही हैं। मैं बहुत उनके कार्यों को देखती हूँ, बहुत प्रभावित हूँ उनसे, और एक एकलव्य जैसा व्यक्तित्व मैंने उनमें देखा है, और मैं हमेशा प्रेरणा लेती हूँ, गुरु तुल हैं वो, मैं उनका आशीर्वाद लूंगी, और विभागाध्यक्ष होने के नाते जो दायित्व है मैं उसको निर्वाह करती हूँ, और मैडम से तो मैं हमेशा आशीर्वाद ही की कामना करूंगी। मैं बहुत छोटी हूँ, मैं उनकी एक तरह की स्टूडेंट हूँ उस विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाते, तो मैं इस समय चूंकि मैं अर्ध विभाग की विभागाध्यक्ष होने के नाते मैं जो आपने मुझे दायित्व दिया मैं उसका निर्वाह कर रही हूँ। वाद्य विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय BHU द्वारा 28 जून से 8 जुलाई 2020 तक आयोजित लय ताल प्रज्ञा प्रवाह माला में डॉक्टर रेणु जौहरी ने अपने उत्कृष्ट ज्ञान वक्तव्य से संगीत जिज्ञासुओं को अभिसिंचित किया।
वाद्य विभाग आपके इस अमूल योगदान के लिए आपको सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरवान्वित है व आपके इस अप्रतिम सहयोग के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता है। मैं बहुत कम समय है इसलिए मंच को अति शीघ्र मैं उद्धव जी को देती हूँ कि वो बहुत तेजी से संचालन करें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं आमंत्रित करता हूँ, रेणु जी के बारे में बहुत कुछ बोलना था, उनका व्यक्तित्व, उनका उन्होंने काफी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने से काफी काम किए हैं और मैंने बहुत सारे उनके कार्यों का जिक्र किया है और अभी उनके जो शोध कार्य हैं उसी का एक उदाहरण हमको देखने को मिलेगा। आज का जो विषय है उनका नाट्य शास्त्र के काल तत्वों का विवेचन, उससे हम बहुत लाभान्वित होंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर रेणु जौहरी जी को कि वे आए और अपना व्याख्यान शुरू करें। अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आई टेंडर माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू प्रोफेसर प्रवीर उद्धव जी, कन्वीनर ऑफ लय ताल प्रज्ञा प्रवाह लेक्चर सीरीज एंड हेड इंस्ट्रूमेंटल डिपार्टमेंट प्रोफेसर संगीता सिंह जी एंड डीन फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स प्रोफेसर राजेश शाह सर for inviting me to present my lecture in this Gyan Yagya, and my humble naman to all experts and love to all students and scholars. और मेरा टॉपिक है आज का नाट्य शास्त्र के ताल प्रत्यय, और मैं इस पर आती हूँ सीधे क्योंकि काफी टाइम हो चुका है। एक बात शुरू में एक थोड़ा ये निगेटिव उदाहरण है, लेकिन इससे नाट्य शास्त्र को समझने में मदद मिलेगी। नाट्य शास्त्र जैसा कि हम जानते हैं कि 28वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक और कहीं कहीं 34वां अध्याय भी मिलता है किसी किसी भिन्न पाठ्यक्रम में, तो विशेषता ये 6 अध्याय माने जाते हैं जिनमें संगीत संबंधी चर्चा है और इतनी विस्तृत चर्चा है कि ये नाट्य का ग्रंथ होने के बावजूद हम संगीत विधा वालों के लिए हमारा पथ प्रदर्शक ग्रंथ आज तक बना हुआ है। तो विद्यार्थी जब इसको पढ़ने की अभिलाषा लेकर आते हैं और इसको पढ़ते हैं तो वो समझ कम पाते हैं और दिग्भ्रमित अधिक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका फैलाव और विस्तार इतना ज्यादा है। तो इसीलिए मैं आज विद्यार्थियों के लिए उनके कुछ भ्रमों को दूर करने का प्रयास करूंगी और उनको वो चीज पकड़ा दूंगी एक मेन, जिससे कि वो नाट्य शास्त्र को समझने के प्रति एक उनकी ग्राह्य दृष्टि होगी और वो ग्रहणशील बनेंगे। तो जैसे एक सांप होता है पूरा, तो जब वो सरकता हुआ चलता है तो हमें उसे देखकर भय लगता है, लेकिन हमारे यहाँ ही एक बॉटनी के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर एनबी सिंह सर, तो उनको पता रहता है कि उसका वो उसे कहाँ से पकड़ना है और उसे कैसे काबू करना है, और वो उसको उसके शीर्ष से पकड़ते हैं, फेस से, मुंह से पकड़ते हैं और उसको इस तरह से पकड़ते हैं कि उसका वो जो है वो जहर उनको नहीं लग पाता है और वो सांप उनके काबू में आ जाता है, कितना भी विषैला कितना भी लंबा सांप हो। तो मैं ये बताना चाह रही थी हमारा ये बहुत फैला हुआ है नाट्य शास्त्र और हम इसको कैसे पकड़ें, तो उस पकड़ने के लिए हमारे पास 3 तत्व हैं। आचार्य भरत ने जिस संगीत की व्याख्या नाट्य शास्त्र में की है वो गांधर्व संगीत है, और इसका वर्णन, इसके महत्व का वर्णन करते हुए आचार्य भरत ने कहा है कि उत्तम अधम मध्य मा विस तथा प्रकृति भिर युता कुतपो नाट्य योगे तु नाना देश समुद्भवा एवं गानम वाद्यम च नाट्यम च विविधाश्रयम अलात चक्र प्रतिम कर्तव्यम नाट्ययोक्त्र भी। नाट्य प्रयोग के समय मंच पर उत्तम मध्यम और अधम प्रकृति के स्त्री पुरुष पात्रों से संबद्ध कुतप की विविध अवस्थाएं हैं।
यहाँ मैं ये आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, इसे शायद समझने में दिक्कत हो, कि आचार्य भरत ने कुतप शब्द का एक प्रयोग किया है, और कुतप का जो शाब्दिक अर्थ है वो है एंसेम्बल ऑफ म्यूजिशियंस, यानी संगीतज्ञों का समूह। और यही जो इसका फ्रेज है ये इसे वृंद वाद्य की श्रेणी से अलग करता है। हम लोग जब वृंद वादन बोलते हैं तो उसमें हम वाद्यों के समूह की बात करते हैं, लेकिन जब आचार्य भरत कुतप कहते हैं तो इसका मतलब होता है एन एंसेम्बल ऑफ म्यूजिशियंस, यानी संगीतज्ञों का समूह। और उन्होंने कुतप को तीन प्रकार का कहा है, तत्कुतप, अवनद्ध कुतप और नाट्यकृत कुतप। तत्कुतप में तत्वाद्य वादक, सुशीर वाद्य वादक और वोकलिस्ट रहते हैं, और अवनद्ध कुतप में विभिन्न प्रकार के जो अवनद्य वाद्य हैं उनके वादक रहते हैं, और घन वाद्य वादक भी रहते हैं। और नाट्यकृत कुतप में, जिसका कि अभी अभी इस श्लोक में जिक्र हुआ है, नाट्यकृत कुतप में जो नाटक के विभिन्न पात्र होते हैं, जो उत्तम चरित्र होते हैं, राजा हैं, ऋषि मुनि हैं, और जो मध्यम चरित्र हैं, मंत्री हो गए, सेनापति हो गए, और जो अधम चरित्र हैं, राक्षस हो गए, सेवक हो गए या अन्य, तो जो वो तीन तरह के वो चरित्र होते हैं उनके समूह को उन्होंने नाट्यकृत कुतप कहा है। और उन्होंने बोला है कि ये जो विविध प्रकृति के जो स्त्री पुरुष पात्र हैं, इनसे संबंध जो कुतप की विविध अवस्थाएं होती हैं, गायन वादन एवं नाटक इनके विविध आश्रय हैं, यानी उनकी चेष्टाओं को जो समझने के लिए जो तीन आश्रय हैं वो गायन वादन एवं नाटक हैं। नाट्य प्रयोक्ताओं अर्थात नाटककारों को इसे एक के अनंतर दूसरे को अलात चक्र के समान चलाते रहना चाहिए। अलात चक्र मीन्स लगातार एक के बाद एक, एक के बाद एक चीजें आती रहनी चाहिए, अर्थात रंगमंच पर गान वाद्य और अभिनय बराबर होते रहें, जिससे विविधता बनी रहे, उकताहट ना आने पाए व रंगमंच निरंतर गतिमान रहे। तत्वाद्यों के द्वारा एवं अन्य वाद्यों का आश्रय लेते हुए स्वर ताल पद युक्त को गांधर्व जानना चाहिए। देखिए, अब वो आए तीन तत्व जिनके माध्यम से हम नाट्य शास्त्र को अगर पकड़ ले और उसको ग्रहण करने का अगर यहाँ से शुरुआत करें तो हमारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, और जो हमें इतना फैलाव दिखाई दे रहा है वो उसको हम समझ पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो आचार्य भरत ने जिस संगीत का प्रतिपादन किया है वो गांधर्व संगीत है, और इसके तीन प्रकार हैं, स्वर ताल पदात्मक। गांधर्व संगीत स्वर ताल पदात्मक है, और मैं इसके एक तत्व को, जो कि मेरी विशेषज्ञता है, मैं उसको लूंगी। और मैं इसमें आचार्य भरत जी ने तो तीनों का ही अलग अलग वर्णन किया है स्वर ताल पदात्मक का, और इसके लिए वो 6 अध्याय हैं जिसमें उन्होंने इन तीनों पक्षों का अलग अलग वर्णन किया है, लेकिन मैं आज यहाँ ताल पक्ष के जो विविध इनके आयाम हैं, जो तालगत हैं, मैं उनके विषय में अपना विचार यहाँ रखूंगी, जो नाट्य शास्त्र से ही लिया गया है। तो आचार्य भरत ने 28वें अध्याय में गांधर्व की विशेषताओं के संदर्भ में ताल के 21 प्रकार के आयाम या पक्ष कहे हैं। ध्रुवस्तवाप निष्क्रामो विक्षेपो अथ प्रवेशनम शम्या तालाः सन्निपातः परिवर्तः सवस्तुकः मात्रा प्रकरण अंगानी विदारी यतयो लयाः गीतयो अव्यवाः मार्गः पाद मार्गः सपाड़याः इत्येक विंशति विधम गेयम तालगतम बुधः गांधर्व संग्रहयो येष विस्तरम तु निबोधत। आवाप, आप लोग चाहे इसको नोट कर लीजिए जिससे कि आपको हमेशा याद रहे कि नाट्य शास्त्र में कितने तालगत एक्चुअली हैं। तो इसमें उन्होंने जो बोला है, तो ध्रुव, आवाप, निष्क्राम, विक्षेप, प्रवेश, शम्या, ताल, सन्निपात, परिवर्त, वस्तु, मात्रा, विदारी, अंग, लय, यति, प्रकरण, गीति, अव्यव, मार्ग, पाद भाग, पाड़ी। संक्षेप में ये गंधर्व के लिए है। कहीं कहीं ये भी पाठ मिलता है कि ये ताल के 20 आयाम या पक्ष हैं,
किंतु श्लोक का जब पारायण करते हैं तो वो गिनने पर पूरे 21 आते हैं और इसमें किनी किनी उसमें पाठ भिन्न क्रमों में ध्रुव को छोड़ा गया है, लेकिन इसमें ध्रुव का जिक्र किया गया है, तो इसकी संख्या 21 ही है। इनके लिए आचार्य भरत ने तालगत संज्ञा दी है, इनको उन्होंने तालगत कहा है। आचार्य भरत ने गांधर्व संगीत के 3 प्रमुख तत्व स्वर पद ताल की व्याख्या में ही संगीत संबंधी 6 अध्यायों को रचा है। वह 31वें अध्याय में तालगत पक्षों की विस्तृत व्याख्या की है। वाद्यम तु यद घनम प्रोक्तम कलापात लयान्वितम कालस्तस्य प्रमाणम ही विज्ञेयम तालियो गताः। कलापात लय से अन्वित काल का प्रमाण जो ताल जाना जाता है वो घन वाद्य कहा जाता है। सा लौकिकी कला काष्ठा निमेषश्च स्मृता बुधय है न सताल कला गेया यन्यषां ताल गाहा कलाहा। अर्थात विद्वत जन लौकिक व्यवहार में जिसे कला काष्ठा और निमेश कहते हैं वो ताल कला नहीं है, ताल से उत्पन्न कला इससे अलग है। त्रिविधा सा च विज्ञेया त्रिमार्ग नियताद्भुत चित्रे द्विमात्रा कर्तव्य वृत्तो सा द्विगुणा स्मृता चतुर्गुणा दक्षिणे स्यादित्येवं त्रिविधा कला। वो कला 3 प्रकार की मानी जाती है। विद्वानों के अनुसार ये 3 मार्गों द्वारा नियत या निर्धारित है। चित्र में 2 मात्राओं की कला होती है, वृत्ति में दुगनी अर्थात 4, दक्षिण में चौगनी अर्थात 8। इस प्रकार ये 3 कलाएं हैं। निमेषः पंच मात्रा स्यात् मात्रा योगात् कला स्मृता निमेषः पंच विज्ञेया गीत काले कलांतरम। 5 निमेष से 1 मात्रा होती है। निमेष यानी जब हम 5 बार पलकों को झपकाएंगे तो उन झपकाने में जो वक्त लगता है उसी को उन्होंने पंच निमेष कहा है। तो 5 निमेष से 1 मात्रा होती है और मात्राओं के योग से कला उद्भूत होती है और 5 निमेष को गीत के काल में 2 कलाओं के मध्य अंतराल के रूप में भी जाना जाता है। ततः कला काल कृतो लय इत्यभिसंज्ञतः त्रयो लयास्तु विज्ञेया द्रुत मध्य विलंबिताः। इन्हीं कलाओं के काल के अनुसार लय का निर्माण होता है। लय 3 प्रकार की है, द्रुत मध्य विलंबित। यस्तत्र तु लयो मध्यस्तत् प्रमाणा कला भवेत् कला काल प्रमाणेन ताल इत्यभिसंज्ञतः। इनमें यानी इन लयों में मध्य लय के द्वारा प्रमाण कला नियतित होती है। जैसा कि आपने सुना होगा एक प्रमाण श्रुति होती है, ऐसे ही हमारी एक प्रमाण लय होती है और वो लय है मध्य लय। तो मध्य लय के द्वारा प्रमाण कला नियत होती है। कलाओं द्वारा काल मापन से यह ताल कही जाती है। त्रयश्रश्च चतुरश्रश्च सतालो द्विविधा स्मृताः द्विविधस्यापि तालस्य त्वेका प्रकृति ऋष्यते। वो ताल 2 प्रकार की है, त्रयश्र और चतुरश्र, और इन दोनों तालों की प्रकृति समान है। तथा योनि द्वयम् चात्र कीर्त्यमान निबोधत चच्चत पुटश्च विज्ञेयः तथा चाच पुटो बुधय है चतुरश्रस्तु विज्ञेयः तालश चच्चत पुटो बुधय है त्रयश्र चाच पुटः प्रोक्तो गुरु लघ्वक्षरान् विताः। इनके 2 प्रकार के उत्पत्ति स्रोत को आचार्य भरत ने कहा है, ये हैं चच्चतपुट और चाचपुट। गुरु लघु अक्षरों से अन्वित चतुरश्र ताल चच्चतपुट कही जाती है और चाचपुट त्रयश्र है। आदौ द्वे गुरुड़ी यत्र लघु चा प्लुतमेव चा सा विज्ञेया प्रयोगस्तालश चच्चतपुटाश्रया सन्निपातस्तताः शम्या तालाः शम्या तथैव च एवमेक कलम शुद्धो योज्यश्चच्चत्पुटो बुधः। अर्थात प्रारंभ में 2 गुरु, 1 लघु और 1 प्लुत प्रयुक्त होने से चच्चत्पुट जाना जाता है और ये विद्यार्थियों को पुस्तकों में भी पढ़ने को मिलता है। सन्निपात शम्या ताल शम्या इस प्रकार एकल शुद्ध चच्चत्पुट जानना चाहिए।
जाजपुर ताल में क्रमशः एक गुरु दो लघु व एक गुरु होता है, इसकी ताल क्रिया शम्या ताल है। शम्या ताल प्रवेश त्रेश्रो अन्योपि विधीयते षट पिता पुत्र कृतः पंच पाड़ी रुदाहृतः। शम्या ताल और प्रवेश होने पर एक और त्रेश्र होता है, ये है षट पिता पुत्रक जो पंचपाड़ी भी कहलाता है। आद्यम प्लुतम द्वितीयम च लघु यत्राक्षरम भवेत् तृतीयम च चतुर्थ च गुरुणी पंचमम लघु प्लुतांतः षट पिता पुत्रो गुरु लाघव संयुक्तः। पहला अक्षर प्लुत और दूसरा लघु होता है, तीसरा और चौथा गुरु, पांचवा लघु और अंत में प्लुत। गुरु लघु अक्षरों वाला ये षट पिता पुत्रक है, छह पातों और छह अक्षरों से युक्त, इसे पंचपाड़ी भी कहा जाता है। सन्निपातर ततस तालः शम्या तालस तथैव च शम्या चैवी तालश्च षट पातास्तस्य कीर्तितः। इसके छह पात इस प्रकार हैं, सन्निपात ताल शम्या ताल शम्या तथा ताल। तालादि श्रेय श्रभेद देवन्या संपकोष्टक संगीताः गुरु पंचाक्षरा अंतयु प्लुत मात्रा समन्विताः। तालादि का एक अन्य त्रयरश्र प्रकार संपवेष्टक कहलाता है, इसमें पांच गुरु अक्षर प्रारंभ और अंत में प्लुत अक्षर समन्वित रहता है। त्रयश्रम सर्व गुरुम कृत्वा निष्क्रामम त्वत्र योजयेत् शम्या द्वयम् ततस्त्वेष उद्घट्टः कथितो बुधः है। जब त्रयश्र में सभी तीन गुरु अक्षर हों और इसकी कलाएं इस प्रकार होंगी, निष्क्राम शम्या और शम्या, ये उद्घट कहा जाएगा। एवमेक कलो गेया शुद्धाश्चत पुटा बुधैदिका त्रयो भेदा ही तालस्य द्विगुणा स्मृताः यथाक्षरो अथ द्विकलस तथा चैव चतुष्कलः। इस प्रकार एक कलायुक्त शुद्ध चत्चत को जानना चाहिए। इन तालों के तीन विशेष भेद होते हैं, यथाक्षर द्विकल और चतुष्कल। ये अपने पूर्व प्रकार से क्रमशः दुगनी लंबी होती हैं। चतुरश्र तिस्र भी भेदस तालस्तु परिकीर्तितः चतुष्कलो ह्यष्टकलः कला षोडशकः पुनः। चतस्र ताल के तीन भेद माने जाते हैं, चतुष्कल चार कलाओं से युक्त, अष्टकल आठ कलाओं से युक्त एवं षोडश कला वाला सोलह कलाओं से युक्त। त्रयश्र तालस्तु षट भेदास्त्र कला षट कलस्तथा कला द्वादश चैव स्यात् चतुर्विंशति रेव च चत्वारिंशत् तथा ष्टौ तथा षण्वती तथा तालो नवविदश चायम अयुग्मः संप्रकीर्तितः। त्रयस्र ताल के छह भेद हैं, तीन छह बारह चौबीस अड़तालीस तथा छियानवे कलाओं से युक्त ये छह भेद हैं। और इस तरह से ये जो त्रयस्र है जिसे कि अयुग्म भी कहते हैं, ये ताल नौ प्रकार की होती है। इनकी एक संज्ञा और है इन दोनों तालों की, चतस्र ताल को युग्म कहते हैं, युग्म भी कहा जाता है, और त्रयस्र ताल को अयुग्म भी कहा जाता है। तत्रा वापो अथ निष्क्रामो विक्षेपश्च प्रवेशकः चतुर्विकल्प इत्येवं निःशब्दः परिकीर्तितः शम्या तालो ध्रुवश्चेति सन्निपातस्तथा पराः इति शब्देन संयुक्तो विज्ञेयश्च चतुर्विधाः। आवाप निष्क्राम विक्षेप प्रवेश इस प्रकार निशब्द के चार विकल्प हैं। शम्या ताल ध्रुव और सन्निपात ये सशब्द के चार प्रकार हैं। इनकी क्रियाओं का भी वर्णन आचार्य भरत जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि ऊपर की ओर उंगलियों को सिकोड़ना आवाप है, नीचे की ओर जाती हुई उंगलियों को खोलना निष्क्राम है, इसको दाहिनी ओर फेंकना विक्षेप है, अधोगत हाथ को पुनः पूर्व स्थिति में लौटाना प्रवेश है। चतुष्कल में ये विधि रखी जाती है, अर्थात आवाप निष्क्राम विक्षेप प्रवेश की योजना क्रमशः चतुष्कल तालों में होती है।
निष्क्राम और प्रवेश द्विकल है, इनसे दो कलाएं बनेगी। इनके मध्य में होने वाली ताली क्रिया पात कहलाती है। इन पातों के नाम शम्या, ताल और सन्निपात है। दाहिने हाथ का पात यानी ताली शम्या है, बाएं हाथ का पात यानी ताली ताल है। दोनों हाथों से एक साथ पात करते हैं तो वो सन्निपात है। एक मात्रा पर विराम के लिए किया जाने वाला पात ध्रुव है और ये राग मार्ग का निर्माण करता है। जो त्रिविध कलाएं बताई गई हैं, उनमें हाथ को नीचे ले जाना भी ध्रुव कहलाता है। यथाक्षर ताल में ध्रुव गुरु अक्षरों वाला होता है। यथाक्षर पातों से युक्त ताल का यह सामान्य रूप होता है। ये उन्होंने आवाप, निष्काम, विक्षेप, प्रवेश और ध्रुव, सन्निपात, शम्या और ताल, ये इन्होंने इनको कहा। और ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे आज पूरे 21 जो तालगत हैं उनको जरूर अपने विद्यार्थियों को थोड़ा थोड़ा बताना है, क्योंकि इनका विस्तार एक एक का बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। इसके बाद आपने पाद भाग के विषय में पाद भाग के विषय में आपने कहा है कि द्वि कलश चतुष कलश पाद भागा प्रकीर्तिताः चत्वारा पाद भागाश्च मात्रेति परिभाष्यते। पाद भाग दो तथा चार कलाओं का होता है और चार पाद भागों को पारिभाषिक रूप में मात्रा कहा जाता है। आचार्य भरत कहते हैं कि इस प्रकार चतुष्पुट, चाजपुट और पंचपाड़ी तालों के पृथक पृथक विभेद जानना चाहिए। ताल के महत्व को और स्पष्ट करते हुए आचार्य भरत कहते हैं, सर्वस्येभि नाट्यस्य आतो ध्यानं तथैव च तालं कालेन संयुक्तं भवे नित्यं प्रमाणतः। तालं कालेन संयुक्तं भवे नित्यं प्रमाणतः। हीनं प्रकृष्ट वर्णे वा गानं तालेन धार्यते तस्मात् एतत् प्रत्नेन विज्ञातव्यं प्रयोक्तृ भी। सभी प्रकार के नाट्य प्रयोग ताल पर आधारित होते हैं और यही नियम नाट्य प्रयोग में आने वाले वाद्य वादन में भी रहता है, क्योंकि काल से युक्त ताल उचित प्रमाण अर्थात मापन प्रदान करता है। गीत के वर्ण में होने वाली कमी या आधिक्य प्रमाण भी ताल के द्वारा ही संभाला जाता है, अर्थात गीतों में भी जो कमी रह जाती है उसको भी संभालने की जिम्मेदारी ताल की ही होती है। अतएव ताल का नियम नाट्य प्रयोक्ताओं को ध्यान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि गाथा पाड़िकादीनाम सप्त रूपम प्रकीर्तितम चतुष्पदा वर्धमानम ताले चैव विभाव्यते। ऋक, गाथा, पाड़िका आदि जो सप्त रूप गीत हैं, जो नाट्य शास्त्र में गीतक हैं, तो गीत एवं प्रकीर्णक और चतुष्पदा तथा वर्धमानक ये जितने भी गीतों की श्रेणियां हैं, इन सभी का उनकी ताल से ही पता लगता है। यही कारण है कि इन्होंने इन्हें स्वर के साथ ना देखे, जो गांधर्व के हमारे जो तीन वो हैं कोश हैं, स्वर, ताल और पदात्मक, तो उन्होंने ये स्वर में नहीं दिए ये गीतक। ये गीतक का वर्णन उन्होंने ताल के अध्याय में किया है। क्यों? क्योंकि ये जो गीत हैं, इनकी पहचान इनकी ताल से होती है, ना कि इनके स्वर से। तो इतना महत्व ताल को यहाँ पर मिला है। अतः सभी को प्रयत्न पूर्वक ताल का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। और आगे बहुत अच्छी बात कहते हैं, ये सब आपने पुस्तकों में भी पढ़ी होंगी, क्योंकि नाट्य शास्त्र के छिटपुट अंश हमारी पुस्तकों में गए हैं और उनके माध्यम से हमारे विद्यार्थियों शोधार्थियों ने इनको पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ मैं आपको क्रमशः इनके बारे में बता रही हूँ। यस्तु तालम ना जानाती न स गाता न वाद कहा, अंग भूता ही तालस्य यति पाड़ी लयाः स्मृताः पूर्वोक्तम वेत विधानम च तश्च मे सन्निबोधक। ताल का व्यवस्थित ज्ञान ना रखने पर कोई भी ना तो गायक और ना ही अच्छा वाद्य वादक बन सकता है।
ताल के यति पाड़ी और लय अंग होते हैं, ये जो मैंने पहले बतलाया था अब मैं उसको दोहराता हूँ, यानी जो उन्होंने पहले कहा था उसको यहाँ पुनः दोहराया है। एक बात जो विशिष्ट इस श्लोक में नोट करने की है आप लोगों के लिए, मेरे विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए, वो ये है कि इन्होंने जो तालगत बताए 21 जो मैंने प्रारंभ में आपको नोट कराए हैं उसमें भी उन्होंने तीन को अंग कहा है, ये ताल के अंग हैं, यानी तालगत में भी जो तीन तालगत हैं वो अंग तालगत हैं, और ये है यति पाड़ी और लय। और आपने देखा होगा कि वाद्यों में भी उन्होंने अंग वाद्य और प्रत्यंग वाद्य कहा है, अंग वाद्यों के अंतर्गत आचार्य भरत ने तीन वाद्यों को रखा था, त्रिपुष्कर मृदंग जिसके की तीन भाग होते हैं, ऊर्ध्वक आलिंग्यक और आंकिक, और पड़व और दर्दुर। तो ये इन तीन वाद्यों को उन्होंने अंग वाद्यों की श्रेणी में रखा था, और शेष वाद्यों को उन्होंने प्रत्यंग वाद्यों की श्रेणी में रखा था। उनमें से कुल चार ही वाद्यों के नामों का उल्लेख किया था, और ये भी उल्लेख किया था कि 100 वाद्य हैं लेकिन केवल चार का ही नामोल्लेख करके उन्होंने छोड़ दिया था। तो जैसे कि उन्होंने वाद्यों में अंग और प्रत्यंग वाद्यों की श्रेणियां बनाई हैं, ऐसे ही उन्होंने तालगतों में भी किया है। और इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर लीजिए कि जो 21 तालगत आचार्य भरत ने बताए हैं उसमें से ये जो तीन है, यति पाड़ी और लय, ये जो है ये इसके अंग तालगत है। और इसके पश्चात उन्होंने इन्हीं का ही वर्णन किया है, सर्वप्रथम उन्होंने लय को पुनः कहा है, एक तो पहले कहा था अभी दोबारा उन्होंने कहा है, त्रयो लयाश्च विज्ञेया द्रुत मध्य विलंबिताः मार्गेषु व्यक्तिम आयान्ति गीत वादोभ्या वाद्यो भयात्मिकः त्रस्तु यत यश्चान्या मार्गेषु लय संश्रया। लय के तीन प्रकार होते हैं, द्रुत मध्य विलंबित, ये लय गीतों के विभिन्न मार्गों तथा वाद्य वादन में अभिव्यक्त होता है, और ये इन दोनों का अनिवार्य या आत्मभूत तत्व है। इसके अतिरिक्त मार्ग आदि में लय से संबद्ध तीन यति भी होती हैं। छंदो अक्षर पदानाम ही समत्वम यत प्रकीर्तितम कला कालांतर कृतः सा लयो मान संज्ञतः। जो छंदों अक्षरों तथा पदों की समता या पूर्ति करते हुए तदनुसार कला तथा काल के अंतर को बतलाते हुए उसका ताल में प्रमाणन या मापन करता हो उसे लय समझना चाहिए। और इस पे थोड़ा मध्यकालीन आचार्यों का थोड़ा एक पक्ष भी है, इसे मैं विवाद तो नहीं कहूंगी, एक पक्ष भी है, क्योंकि नाट्य शास्त्र जैसा कि आप सभी जानते हैं ये विशेष रूप से रचा गया संगीत का ग्रंथ नहीं है, ये नाट्य का ग्रंथ है, संगीत इसमें नाटक के एक अंग के रूप में आया है। तो इसमें जो आचार्य भरत ने जो छंदों अक्षरों और तथा पदों की समता की पूर्ति करते हुए जो ये लय के विषय में कहा है, ये साहित्य से ज्यादा प्रेरित परिभाषा है ना कि संगीत से। तो पंडित शारंग देव जी का इसके विषय में थोड़ा सा मतांतर है, लेकिन आज मेरा विषय उधर नहीं है, लेकिन बीच में अगर कुछ ऐसा मेरे संज्ञान में आ रहा है तो वो मैं आपको जरूर थोड़ा उसकी ओर एक इशारा भर जरूर करती जाऊंगी, सो दैट कि आपके चिंतन को ये प्रेरित कर सके और आप उसका अध्ययन कर सके। तो ये जो परिभाषा उन्होंने बताई ये साहित्य से प्रेरित है, छंद से प्रेरित है, लेकिन इसमें लय की झलक तो पूरी है, चाहे साहित्य की लय हो चाहे संगीत की लय हो, वो लय का जो है वो आधार में कोई दिक्कत नहीं। इसके पश्चात उन्होंने यति के विषय में कहा है, समा स्त्रोता गता चैव गोपुच्छेति यथाक्रमम पद वर्ण प्रकर्षाणाम अक्षराणाम अथापि च नियमो अथ यति ही सातु गीत वाद्य समाश्रया। यति के तीन प्रकार होते हैं, समा स्रोतो गता तथा गोपुच्छा, यह पद वर्ण तथा अक्षरों का गीत तथा वाद्य के आश्रय लेने पर विस्तार तथा नियमन का कार्य करती है। फिर उन्होंने यति के प्रकारों के विषय में कहा है, आद्यन्ते चैव मध्ये चा लय वर्ण पदः समाः वाद्य प्रधाना भूयिष्ठा चित्ता चित्रा गेया समा यति ही। जो यति अपने आरंभ
जो यति अपने आरंभ मध्य तथा अंत में वर्ण और पदों की समता रखती है उसे समायति समझना चाहिए। इसका चित्र मार्ग में उपयोग होता है और वाद्य वादन में इसकी सामान्यतः प्रमुखता होती है। क्वचिच्चे वाव तिष्ठते क्वचिच्चैव प्रधावति वाद्य श्रुत पथा वृत्तो गेया स्रोतो गता यति ही। जो यति कभी तो वाद्यों की संगीत ध्वनि के मार्ग के आगे बढ़ा की ओर आगे बढ़ाते हुए कभी रुकती और कभी तेज हो जाती है तो उसे श्रोता गता नामक यति समझना चाहिए। इसका उपयोग वृत्ति मार्ग में किया जाता है। गुरु भिर लघु भिश चैवम विभावितम अक्षरम लंबिता गेय भूयिष्ठा गोपुच्छा दक्षिणे यति ही। गुरु तथा लघु अक्षरों के कारण जिसके अक्षर ठीक से विभाजित किए या पहचाने ना जा सकते हों तो ऐसी फैली हुई और सामान्यतः गीत की प्रमुखता या आधिक्य ना लिए हुए रहने वाली यति को गोपुच्छा समझना चाहिए। और देखिए कैसे उन्होंने लिंक स्थापित किया है तीन प्रकार की यतियों का और तीन प्रकार की लय से, और इसीलिए तीन प्रकार की यति थी। आचार्य भरत जी चाहते तो वो भी पांच या छह प्रकार की यति कह सकते थे जैसा कि बाद में आया है। क्योंकि इनका संबंध तीन प्रकार की विशिष्ट लयों से है इसीलिए उन्होंने तीन प्रकार की यति नाट्य शास्त्र में कही है। इसके पश्चात पाड़ी के विषय में उन्होंने कहा है संपाड़े एव पाड़िश्च तथा उपरिपाड़िकम पाड़िस्तु त्रिविधो गेयो गीत वाद्य समाश्रयाः। गीत और वाद्य वादन से संबद्ध या आश्रित रहने वाले पाड़ी के तीन प्रकार होते हैं संपाड़ी अवपाड़ी तथा उपरिपाड़ी। पाड़ी के प्रकार उन्होंने बताए हैं लयेन यत समम वाद्यम संपाड़ी स उच्यते लयाद अवकृष्टम तु सो अवपाड़िस्तु संगीताः लयस्योपरि वाद्यम स्यात् तथा चोपरिपाड़िकम। जो वाद्य वादन लय के साथ साथ चलने वाला होता है उसे संपाड़ी समझना चाहिए। जो लय के आरंभ करने पर उसके पीछे चलता हो उसे अवपाड़ी समझना चाहिए। और वाद्य वादन लय की गति को और जो वाद्य वादन लय की गति को अपना अनुसरण करवाए या जो लय के आगे हो यानी लय से पहले हो उसे उपरिपाड़ी समझना चाहिए। आचार्य भरत कहते हैं कि नाट्यवेत्ता जन को यथाक्रम यति पाड़ी और लय को गीत की स्थिति का विचार करते हुए रखना चाहिए। इसमें ये जो आपको हमने अभी जितने भी तालगत बताए जिनका वर्णन किया है तो कुछ तालगत जैसे परिवर्त है वस्तु है मात्रा है प्रकरण विदारी अव्यव पाद भाग का मात्र उल्लेख ही नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो मैंने जब अपना ये तीसरा शोध कार्य किया जो मेरा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट था तो ये मेरा ग्रंथों पर ही था तो जब मुझे नाट्य शास्त्र में इनका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला मींस इनके अर्थ का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला तो फिर मैंने दत्तिलम का पारायण किया और उसमें मुझे ये जो मैंने अभी नाम लिए इन तालगतों के मुझे इस संक्षिप्ति सही पर इनके विषय में मुझे जानकारी मिली जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। परिवर्त दतिलम की श्लोक संख्या 138 में कहा गया है कि पाद भागो अथ मात्रा वा समस्त ताल एवचा गीयते परिवृत्या चेत परिवर्तः सा उच्यते। जब एक पाद भाग अथवा एक मात्रा अथवा संपूर्ण ताल आवृत्ति के साथ गाई जाती है तब यह परिवर्त होता है। वस्तुतः परिवर्त का अर्थ घूमना अथवा चक्कर लगाना है। बार बार आवृत्ति ही परिवर्त है। विदारी एवं वस्तु ये दोनों भी एक दूसरे में जुड़ी हुई हैं।
पद वर्ण ये भी मैंने दत्तिलम से ही इसकी व्याख्या ली है। पद वर्ण समाप्तिस्तु विदारित्यभिसंज्ञता न्यासापन्यासम शांतम वस्तु तत् प्रकीर्तितम। जो पद या वर्ण पर समाप्त हो जाती है वो विदारी इस प्रकार जानी जाती है। जो न्यास अपन्यास और अंश पर समाप्त होती हो उसे वस्तु कहते हैं। वस्तुतः ये गीत को के लिए जो बहुत सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती थी कि कहाँ से वो शुरू होते हैं, कहाँ मध्य में वो विराम लेते हैं, कहाँ वो अंत में समाप्त होते हैं, तो मींस मैं ये कहना चाहती हूँ जैसे आज हमारे वर्तमान ताल के क्षेत्र में टर्मिनोलॉजीज का समटाइम्स अभाव मिलता है, तो नाट्य शास्त्र में कुछ ज्यादा ही टर्मिनोलॉजीज थी, मतलब कुछ इतनी ज्यादा थी कि जिनको याद रखने में शायद विद्यार्थी को कठिनाई होती होगी। तो ये उसी का एक रूप विदारी और वस्तु भी है। और इनको मैं फिर से बता देती हूँ, जो पद या वर्ण पर समाप्त हो जाती है वो विदारी इस प्रकार मानी जाती है, और जो न्यास अपन्यास और अंश पर समाप्त होती हो उसे वस्तु कहते हैं। और ये जो जितना भी मैं बोल रही हूँ न्यास अपन्यास अंश, ये सब अगर आपने जाति गायन देखा होगा तो जाति की ये लक्षण है, तो ये गायन से सारा रिलेटेड है। विदारयति तस्माद्धि पद मध्य स्वरा यदा तदा विदारी विज्ञेया गुरु वर्णानुकारणी, क्योंकि ये पदों और मध्यवर्ती स्वरों का विदारण करती है यानी उन्हें चीरती है, अलग करती है, इसी कारण इसे विदारी कहा जाता है। यह गुरु वर्णों का अनुकरण करने वाली है। मात्रा, मात्रा का उन्होंने पहले उल्लेख किया था आचार्य भरत ने कि चार पाद भागों को मिलाकर एक मात्रा बनती है, उसको थोड़ा और स्पष्ट किया है आचार्य दत्तिल ने। द्वि कलश्च चतुष कलश्च पाद भागः प्रकीर्तिताः चत्वारः पाद भागाश्च मात्रेति परिभाष्यते। पाद भाग दो तथा चार कलाओं का होता है, चार पाद भागों को पारिभाषिक रूप में मात्रा कहा जाता है। इसके पश्चात और जो इसके तालगत हैं वो है प्रकरण है, और प्रकरण का भी बहुत ही संक्षिप्त सा अर्थ है कि मद्रक आदि गीतकों का जो साधारण नाम है उसको प्रकरण कहते हैं। और अंग, अंग आया, अंग को लेकर विद्यार्थी समझते हैं शायद कि ये षडांग है जिसका उल्लेख आचार्य भरत ने किया है, और वो उसको अरुद्रुत लघु गुरु प्लुत और काकपद से मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य भरत ने जो अंग कहा है वो इस प्रकार है, विवधैक वृत्तानी त्रीड्यंगानी समासतः सर्वेशामेव गीतानाम वस्तुष्व वैवेश्वपि विवधैक वृत्तानी त्रीड्यंगानी भवन्ति ही। संक्षेप में विविध, एकक और वृत्त तीन अंग हैं, ये गीतकों की वस्तुओं में स्वरूपित होते हैं। सभी गीतकों के अवयव और वस्तुओं में ये तीन अंग विविध, एकक और वृत्त ही होते हैं। तो आचार्य भरत जी ने जिस अंग को तालगत के अंतर्गत रखा है वो षडांग नहीं है, जिनको कि हम आज समझते हैं। वो गीतकों से, गीतकों की कुछ विशिष्ट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनका कि आज हमें प्रयोग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। तो ये उस समय जो हमारे गीतक थे उसमें शायद रुकाव के संबंध में होगा, या उन गीतकों के प्रयोग में किस तरह की जो विविधताएं आती है उनके संबंध होगा। आई जस्ट कांट से, क्योंकि ये शायद हमारे वोकल वालों को भी शायद नहीं पता होगा क्योंकि इसका प्रयोग हमारे पास आज नहीं जीवित है। तो ये विविध और एकक और वृत्त ये तीन अंग थे, ये गीतकों से संबंधित थे। तो ये तीन अंगों का जो है आचार्य भरत ने उनको तालगत के अंतर्गत रखा है। और इसके अतिरिक्त अवयव आता है एक तालगत, और उसके बारे में भी आचार्य भरत ने कुछ नहीं कहा है। प्रकरण और अंग के बारे में तो कहा था जो मैंने आपको बताया, अवयव के बारे में नहीं कहा, ये भी मैंने आचार्य दत्तिल से लिया है। दत्तिल ने सप्तरूपा गीतकों के गाने की विस्तृत विधि संभवतः छत्र विस्तार के लिए ये शब्दावली
प्रयुक्त की हो, ऐसा दत्तल्य जी ने भी संभावना व्यक्त की है, वो भी कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब सप्तरूपा गीतकों के गाने की जो विस्तार विधि है, संभवता ये टर्मिनोलॉजी जो अव्यव है, संभवता उससे ये शब्दावली उससे संबंधित हो सकती है। गीति, एक गीति है हमारा तालगत जो है, गीति का वर्णन जो है वो भी दत्तल्य में स्पष्ट मिलता है, और गीति को आप लोग जानते भी होंगे। गीति का वर्णन दत्तल्य में इस प्रकार मिलता है, गीतयोपि चतस्त्रस्तु माग्ध्याद्या समासतः। गीतियां भी चार प्रकार की होती हैं संक्षेप में, मागधी इत्यादि। मागधी समकाल में पदों की पुनरावृत्ति के साथ चित्र मार्ग में गाई जाती है। वर्णों की विपुलता वाली अर्ध मागधी गीति मागधी से आधे काल में आवृत्त होती है। संभाविता गीति वार्तिक मार्ग में गाई जाती है, ये लघु अक्षरों वाली होती है, और प्रतुला गीति भी वर्ण धनाढ्य होती है, यानी इसमें भी बहुत वर्ण होते हैं लेकिन ये गुरु अक्षरों वाली होती है, और सदैव दक्षिण मार्ग में गाई जाती है। इस प्रकार चारों गीतियां उक्त मार्गों से संबंधित हैं। आपने जब भी कभी नाट्यशास्त्र का उल्लेख पुस्तकों में पाया होगा और इसका अध्ययन किया होगा, और या आपने सीधे नाट्यशास्त्र को ही पढ़ा होगा, पारायण किया होगा। हमारे कुछ शोधार्थी बहुत ज्यादा अध्ययनशील हैं और वो पढ़ते रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि नाट्यशास्त्र में लय ताल संबंधी जो तत्व हैं वो दो रूप में दिखलाई पड़ते हैं। एक तो गांधर्व संगीत के एक प्रमुख प्रकार तालगत के रूप में, जिनकी व्याख्या अभी यहाँ मैं कर रही हूँ, और दूसरा अवनध्य और घन वाद्यों के संबंध में अत्यंत विशद विवेचना आचार्य भरत ने की है। आचार्य भरत ने 34वें अध्याय के और कुन और किनी किनी पाठ्यक्रम में ये 33वां अध्याय भी मिलता है, जो वाद्य अध्याय है और अवनध्य वाद्य के विषय में जिसमें कहा गया है, और कहीं कहीं ये 34वां है, और मैंने दोनों का ही अध्ययन किया था, तो अभी मैं 34वें के बारे में बता रही हूँ। आचार्य भरत ने 34वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है कि अब मैं अवनध्य वाद्यों के विषय में कहूंगा, जिनमें स्वर है एवं अनेक प्रकार के करण मार्ग जाति से जो विभूषित है, चर्म से मड़े हुए सारे वाद्य यथा त्रिपुष्कर वाद्य अवनध्य वाद्य कहलाते हैं, और इनके 100 भेद हैं, पर मैं त्रिपुष्कर की विशेषता को कहूंगा। भेरी पटहा भंबा दुंदुभी डिमडिम में ध्वनि का गंभीर है, इनके शैथिल्य और विस्तृत सतह से प्राप्त किया जा सकता है। आचार्य भरत ने प्रत्यंग वाद्यों को ना स्वरा प्रहाराश्च ना अक्षराणी ना मार्जना कहकर एक पंक्ति में समेट दिया है, और पुष्कर वाद्य वादन के समस्त विधान आचार्य भरत ने इस प्रकार कहे हैं। इनको उन्होंने भी बताया था प्रोफेसर भवसार सर ने, और अभी मेरी चूंकि विषय वस्तु को मुझे समझाना है इसलिए मुझे इनका उल्लेख करना पड़ रहा है। षोडशाक्षर संपन्नम चतुर्मार्गम तथैव च द्विलेपन षटकर्णम त्रियति त्रयलयम तथा त्रिगतम त्रिप्रकारम त्रिसयोगम त्रिपाड़िकम दशार्ध पाड़ी प्रहतम त्रिप्रहारम त्रिमार्जनम विंशत्यलंकार युक्तम तथा तथाष्टादश जातिकम एभिः प्रकारः संपन्नम वाद्यम पुष्करजम भवे। 16 अक्षर काखा गाघा टाठा डाढ़ा ताथा दाधा मारा लाहा, 4 मार्ग आलिप्त अड्डित गोमुख वितस्त विलेपन वाम एवं ऊर्ध्वक का विलेपन, षटकरण ये संगति की विधियां थी, रूप कृत प्रतिकृतम प्रतिभेद रूप शेष ओग प्रतिशुष्क, 3 यति ये सेम है जो आपने तालगत में पढ़ी, वाद्य के आयाम में भी सेम है, समा स्रोतोगता या स्त्रोतोगता और गोपुच्छा, 3 लय ये भी सेम है, द्रुत मध्य विलंबित, 3 गत तत्व अनुगत ओग ये भी उसके प्रकार है, उसके संगति के प्रकार हैं ये, त्रिप्रचार संप्रचार विषम प्रचार सम विषम प्रचार, 3 संयोग
गुरु संयोग, लघु संयोग और गुरु लघु संयोग, दशार्ध पाड़ी प्रहत यानी दश के आधे, ये बड़ा भाषा का सौंदर्य है संस्कृत में। हम इसको पंच पाड़ी प्रहत भी कह सकते थे और कहते भी है बाद में, लेकिन जो इन्होंने कहा आचार्य भरत ने कहा है दशार्ध पाड़ी प्रहत यानी दस के आधे पाड़ी प्रहत, और इसके अंतर्गत उन्होंने बोला है समपाड़ी अर्ध पाड़ी, समपाड़ी अर्ध समपाड़ी, अर्धार्ध समपाड़ी, पार्श्व पाड़ी और प्रदेशनी, त्रिप्रहार निग्रहित अर्ध निग्रहित एवं मुक्त, त्रिमार्जना मायूरी अर्ध मायूरी और कारमारवी, 20 अलंकार और 18 जातियां। ये आचार्य भरत जी ने ये वाद्यों के लिए कहा है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आचार्य भरत ने जो मार्ग तालगत में कहे हैं वो उनके ध्रुव चित्र वार्तिक और दक्षिण हैं, और ये जो चार हमारे मार्ग हैं जो वाद्यों के लिए कहे हैं ये बिल्कुल अलग हैं, और इसमें उन्होंने रसों की योजना की है, आलिप्त अड्डित गोमुख वितस्थ, ये दर्दुर पड़व और त्रिपुष्कर के जो तीनों भाग होते हैं उन पर, ये जिस समय नाटक चलता है उसके बीच में जब संगीत की योजना होती है, तो इसके सारे बोल भी नाट्य शास्त्र में दिए हैं और आप में से बहुतों ने इनको पढ़ा होगा। तो मेरा बस ये आज आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताना था कि आज अब यहाँ से जब मेरा वक्तव्य सुनकर जाए, एक तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आचार्य भरत ने जिन ताल गत का जो उल्लेख किया है वो 21 हैं। इनको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ये हैं ध्रुव आवाप निष्क्राम विक्षेप प्रवेश शम्या ताल सन्निपात परिवर्त वस्तु मात्रा विदारी अंग लय यति प्रकरण गीति अवयव मार्ग पाद भाग और पाड़ी। तो ये उन्होंने 21 कहे हैं। अभी मैं परसों ये लेक्चर सुन रही थी, गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने एक भी दिन ये लेक्चर छोड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा विद्यार्थी पक्ष इतना प्रबल है कि वो मेरे जो शिक्षक का जो पक्ष है उस पर वो हावी हो जाता है हमेशा से। तो मैंने एक भी दिन ये जो ज्ञान यज्ञ का ये जो 12 दिवसीय ये सीरीज चल रही है मैंने छोड़ा नहीं है। तो मैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं अपना काम कर रही थी, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा काम था, और मैं सुन रही थी, एक प्रस्तार की चर्चा हुई थी, लेकिन प्रस्तार जो टर्मिनोलॉजी है वो नाट्य शास्त्र में पाई ही नहीं जाती, और बल्कि किसी भी प्राचीन काल के ग्रंथ में वो शब्दावली नहीं आई है। वो देशी तालों की सर्वाधिक प्रमुख शब्दावली है, और कभी उस पर चर्चा होगी तो उस पर मैं इस संदर्भ में आप लोगों से फिर बात करूंगी, आज मेरा वो विषय नहीं है। तो ये हमारे 21 ताल पक्ष हैं, और अब अगर जो भी आपसे इस विषय में वाद विवाद या चर्चा करे तो आप बिल्कुल निर्भय होकर ये बात कहें कि आचार्य भरत ने जो है वो 21 ताल पक्ष कहे हैं, और अंग भी आप स्पष्ट रूप से बताएं कि जिन षडांगों की हम चर्चा करते हैं वो षडांग आचार्य भरत ने जो कहे हैं वो षडांग नहीं है, उन्होंने 3 अंगों का जिक्र किया है। तो ये थोड़े जो भ्रम थे उनका निवारण करने के लिए स्पेशली मैंने ये क्राफ्ट किया था अपना ये आज का वक्तव्य, और अगर इनके माध्यम से आपको कुछ भी सूचनाएं स्पष्ट रूप से मिली होंगी तो मैं अपना प्रयास को यहाँ पर आज सार्थक मानूंगी। और जैसा कि मैंने बताया कि एक चीज का जब बहुत फैलाव विस्तार होता है तो उसका कोई ना कोई पकड़ जरूर होती है, जैसे राग की एक पकड़ होती है, इसी तरह से नाट्य शास्त्र के जो संगीत के जो 6 अध्याय उनकी भी पकड़ है, और वो है स्वर ताल और पदात्मक। इन 3 बिंदुओं के माध्यम से हम पूरे 6 अध्यायों को पकड़ सकते हैं। चूंकि मेरी विशेषज्ञता ताल में है और ताल पक्ष ही इतना सवल और इतना बृहद है कि उसी को समझने में मतलब मुझे अभी वर्षों लग जाएंगे। उसको आचार्य भरत ने जिस संदर्भ में उसको व्याख्यायित किया है उस संदर्भ में समझने में, अपनी बुद्धि से तो मैं कह सकती हूँ कि मैंने इसको समझ लिया, लेकिन जिस मेहनत से और तन्मयता से उन्होंने जो इसकी व्याख्या की है उस स्तर पे जाके समझने में मुझे लग रहा है ये मेरा पूरा जीवन लग जाने वाला है। तो अभी मैं चाहूंगी आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिए,
फिर मैं इसमें से कुछ पॉइंट्स आपको और बताऊंगी जो आपके लिए काम आएंगे। प्रवीर जी, हेलो। हाँ जी जी जी, प्रश्न मैं देख रहा हूँ किसी के। वरना मैं अपनी तरफ से ही कुछ बच्चों को पॉइंट बता दूंगी। थोड़ा ये दुरूह है और आपने अभी इतना सुंदर तबला वादन सुना उसके बाद और आपको ये थोड़ा जी। दीपक त्रिपाठी जी, उनका साउंड खोल दो जी। जब तक दीपक त्रिपाठी जी जुड़े, एक क्वेश्चन ये आया है, प्रथमां कंडिकां कृत्वा बाल ताल प्रयोजिताम, तो इस मंत्र में बाल ताल से क्या तात्पर्य है, किसी ने पूछा है। नहीं ये क्या, नहीं नहीं ये बताइए, ये जो मैंने अभी बोला है उसके संदर्भ में है या अपना श्लोक लेकर आए? अगर अपना लेकर आए तो उसको मैं नहीं व्याख्यायित करूंगी, लेकिन अगर मेरी मेरे से है संबंधित तो जरूर पूछिए आप। मैडम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, दीपक खुश रहो। मैडम बहुत अच्छी जानकारियां मिली, और मेरा एक अपने लिए, अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए और बच्चों के लिए भी मैं जानना चाहूंगा, जो त्रिपाणी आपने बताया, समपाणी, अपर पाणी और ऊपर पाणी, और प्लस पंच पाणी प्रहत, तो जो पंच पाणी पाणी का जो प्रहत है वो, उसका जरा सा विस्तार बताने का एक कष्ट करे हाथ के माध्यम से, देखो कि बच्चों को क्लियर हो जाए। दीपक आज मेरी वो विषय वस्तु नहीं है, पंच प्राणी प्रहत को त्रिपाणी से नहीं जोड़ना, वो पंच पाणी प्रहत जो है जी, वो त्रिपाणी अलग है, त्रिपाणी अलग। हाँ, मैं त्रिपाणी के संदर्भ में आपको बताती हूँ आज जी, मैं ये बताती हूँ आपको। हाँ 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 ठीक है जी जी जी। और वो जो क्वेश्चन था वो आकाश जैन है जो इसमें जुड़े हुए भी, वो अपना वीडियो खोले सामने आए। हाँ, अच्छा नहीं मैं पहले दीपक को उत्तर दे देती हूँ। दीपक की जो त्रिपाड़ी है तो इनका इसमें जो ये है कि जो वादे वादन लय के साथ साथ चलने वाला हो उसे समपाड़ी समझना चाहिए, तो ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? जैसे गीत और हमारा वाद्य वादन साथ साथ चल रहा है, हम लोग सम से शुरू हुए हैं तो ये समपाड़ी है, जिसको हम लोग सम भी कहते हैं आजकल। अनागत का कुछ, हाँ मैं इसमें है, अनागत का जो पुट है जी जी, जो लय के प्रारंभ करने पर उसके पीछे चलता हो उसे अवपाड़ी कहते हैं, तो ये ही हमारा अतीत है, यानी हमारा जो है अभी मुख्य संगीत शुरू होने वाला है। करवाना चाहता था तो आप मुझे क्लियर करने दो, तो दीपक मुझे क्लियर बता लेने दो। तो जब ये जो लय प्रारंभ करने पर उसके पीछे चलता हो, यानी हमारा जो है गीत जो है वो प्रारंभ हो गया है और उसके पश्चात हमने अपना वाद्य वादन शुरू किया है, तो ये जो है हमारा अतीत है और इसी को उन्होंने अवपाड़ी कहा है, अवपाड़ी कहा है। और जो तीसरा है हमारा ऊपरी पाड़ी कहा है उन्होंने, कि जो वाद्य वादन लय की गति को अपना अनुसरण करवाए या जो लय के आगे हो, यानी बिल्कुल हमने अपना वाद्य वादन पहले प्रारंभ कर दिया और गीत जो है वो बाद में आ रहा है, तो ये जो है वो अनागत है, जिसको उन्होंने ऊपरी पाड़ी कहा है, तो ये है स्पष्टीकरण। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, ये जी सब बच्चों को क्लियर हो जाएगी इस माध्यम। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जो मुझे आता होगा मैं जरूर क्लियर करूंगी, जो नहीं आता क्षमा मांग लूंगी। हेलो। हाँ हेलो प्रवीर जी, ये क्वेश्चन जो मंत्र पूछा था वो आकाश जैन करके जो इसमें जुड़े हुए भी हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपना वीडियो खोलें और सामने आए। आज के मेरे व्याख्यान से संबंधित होगा तो जरूर उत्तर दूंगी। हाँ जी जी जी, और हम लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हमारा ये व्याख्यान माला दो बहुत महान संगीत शास्त्री और विद्वान लोग सुन रहे थे, मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे
इस व्याख्यान को मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, आदरणीय मुकेश गर्ग जी सुन रहे हैं और प्रोफेसर उनको मेरा सादर नमन और सभी को मेरा सादर नमन, प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी सुन रही हैं, मेरा तो नमन, मैं इनके चरणों में मेरा नमन। ताल गत के 21 प्रत्ययों को जो उन्होंने बताया रेणु जी ने, ताल और दात्मकता को पकड़ लेंगे तो 6 अध्याय को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा इस टेक्निक से। और उन्होंने बहुत चर्चा की मार्ग के बारे में, यति के बारे में, और वो जो तालगत 21 ही प्रकार के विषय में आपने प्रकाश डाला। मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में विदुषी प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी हैं, उनका आशीर्वचन मिले, क्योंकि उनका मैंने हमारे तबले के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण शोध कार्य उनके निर्देशन में हुआ है, और वो बम बम जी हमारे यहाँ हैं, बैठे भी हैं, हमारे महेंद्र प्रसाद शर्मा जी, और अभी अवनद्य वाद्य के उसकी 20 अलंकारों की और उसकी भी बात चर्चा चल रही थी, और इतना सुंदर कार्य प्रोफेसर पंकज माला शर्मा जी के अंडर में हुआ है, और वो अवनद्य वाद्य के ऊपर मुझे लगता है कि एक इतना सुंदर शोध कार्य, मैं कई बार उस पुस्तक को देखता हूं, और जब भी मैं महेंद्र जी से बात करता हूं तो वो पंकज माला मैडम को याद करते हैं, तो मैं बहुत सम्मान के साथ मैडम का आशीर्वचन के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर पंकज माला शर्मा, मैडम के श्री चरणों में सादर नमन करती हूं, उनको मेरा सादर नमन, मैम को। हेलो हेलो, जी 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 जी, आवाज आ रही है हमारी? जी 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 आ रही है। मैडम आपके श्री चरणों में नमन करती हूँ, सादर नमन। नमस्कार नमस्कार। माननीय प्रवीण उद्धव जी, इस प्रज्ञा प्रवाह के संचालक, माननीय संगीता जी, इस विभाग की अध्यक्षा, माननीय राजेश शाह जी डीन, जिनके निर्देशन में और जिनके कुशल नेतृत्व में ये कार्यशालाएं, शाला नहीं कहूंगी, शालाएं आयोजित हुई हैं। एक आध कार्यशाला में मुझे सौभाग्य हुआ योगदान देने का। मैं जिज्ञासु हूँ, इसलिए सब जगह सुनने की, लगभग मैंने सभी व्याख्यान सुने हैं, चाहे वो संगीत वाद्य का था क्योंकि सितार मेरा विषय है, और तबला का हो तो तबला भी, सितार जो है वो तबले के बिना चलती नहीं है, तो आधा तबला हमें समझना ही पड़ता है तब जाके सितार में कोई प्राण पैदा होता है, और गाने में तो है ही। तो आशीर्वचन तो खैर मैं क्या कहूँगी, सब मेरे से बड़े हैं और वयोवृद्ध लोग बैठे हैं, ज्ञान वृद्ध लोग हैं। मैं खाली, मेरी जिज्ञासा है, मैं तुलसीदास जी की एक बात कहूँगी, फिर आपकी बात पे भी कुछ चर्चा करूंगी। कहते कवि ना हो नहीं चतुर कहाऊं, तुलसीदास जी ने कहा है, कवि ना हो नहीं वचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीन। मुझे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन गुणी ना हो नहीं चतुर कहाऊं, ना तो मेरी गिनती गुणियों में है, ना कहीं चतुर पंडितों में है, तो मति अनुरूप राम गुण गाऊं। तो मैं तो राम का भक्त हूँ, जितनी मेरी बुद्धि है मैंने वो गुण गाया। वाह क्या बात है मैम। मैं संगीत की सेवक हूँ, जो मेरी बुद्धि में आता है थोड़ा बहुत वही बात कहूंगी मैं, वही मैंने हमेशा कही है। अवनद्य वाद्यों का जहां तक सवाल है, हम ताल की तरफ से चलते हैं। ताल एक इतना इम्पोर्टेंट पहलू है हमारे संगीत में, जीवन में, या यूं कहो कि हमारी सृष्टि के संचालन में। जहां ताल की मात्रा बिगड़ी वहीं सब संतुलन खराब हो जाता है। इसलिए गाने में तो भरत ने कहा है खुद कि अगर ताल विहीन गान है तो उसको कैसा समझना चाहिए, जैसे कोई नासिका विहीन मुख है। जैसे इतना अच्छा मुख बना दो, बीच में नासिका नहीं हो, नाक नहीं हो, तो व्यक्ति कभी शोभा नहीं पाएगा। इसी तरह से अब गान बजाने में जब ताल अगर नहीं है, वो पक्ष नहीं है, तो वो गान कभी पूर्णता की तरफ नहीं जाता। वाद्य में भी यही बात है, याज्ञवल्क ने कही थी, वीणा वादन तत्वज्ञ श्रुति जाति विशारदा, तालज्ञश्च अप्रयासेन मोक्ष मार्गम स गच्छति।
जो वीणा के तत्वों को जानता है, श्रुति जाति विशारदा, और श्रुतियों को जानता है, श्रुतियों की जातियों को, उनके काकू को जानता है। सबसे ऊपर तालज्ञ, ताल को भी जानता है, तब जाकर के अप्रयासेन मोक्ष मार्ग में गच्छति, तब वो बिना प्रयास के ही मोक्ष मार्ग की तरफ जाता है। तो स्वर जानना, श्रुति जानना, वीणा वादन की टेक्निक को जानना, लेकिन सर्वोपरि ताल को जानना बहुत जरूरी। तो ये ताल की महिमा है। भरत ने सबसे जो हमें शास्त्र मिलता है, जैसे रेणु जी ने चर्चा की है, वो नाट्य शास्त्र ही है। नाट्य शास्त्र में एक बात रेणु जी, मैं आपकी बात में जोड़ना चाहूंगी कि जो हम ताते बजाते हैं जी, अगर तो सोलो वादन, जैसे पहले सोलो ही हुआ करता था या कुतुक या वृंद वादन होता था, लेकिन जब से संगति में जुड़ा इसका भी लक्षण मिलता है। तीन तरह का जो है वो वादन किया जाता है, एक कहते हैं तत्व, दूसरा अंगत और जी जी ओघ जी मैम जी, ये आप शायद वो स्लिप कर गया आपसे। नहीं मैम, मैंने बोला है ये, मैंने बोला है मैम, ये मैंने बोला, ये उसके संगति के तीन प्रकार थे, तत्व, अनुगत और ओघ। जी जी, और ओघ। जब हम तत्वतः जो गायक गा रहा है या वादक बजा रहा है उसके अनुरूप ही तबला वादन करते हैं तो वो कहलाता है तत्व, मतलब मूल के साथ मिलकर के चलना। अनुगत होता है कि थोड़ी बात हम गायक की, जैसे पिछले में कुछ और जोड़ देना और थोड़ा सा अनुकरण करना और थोड़ा सा अपनी बात कहना, ये कहती है अनुगत संगति। तीसरी होती है ओघ। ओघ कहते हैं कि गाने वाले ने या बजाने वाले ने अपनी बात कह दी और बाद में जो वादक है उसने अपना सबक जो है उसको अपने ढंग से सजा करके पेश करता है। जैसे आज हम प्रयोग में देख रहे हैं कि जब गवैया गाता है तो फिर तबले के लिए भी वो जगह होती है, तो तबला वाला अपने जी जी ओग ओग एग्जैक्टली वही उसी का उदाहरण है, तो उसी का ही उदाहरण है जी, जी, ये तीन तरह की संगति। एक बात और मेरे दिमाग में आ रही थी जो मेरे सुनने में आई, तिहाई पे बहुत बल दिया गया। मैंने पार्थ जी का लेक्चर बहुत ध्यान से सुना, मैं बहुत प्रभावित हूँ उससे। इवन मनोज जी ने भी वही बात कही और आज भी फिर से तिहाई की चर्चा जो हुई है, ये वाकई एक बहुत ही मूल विषय है। तिहाई का कंसेप्ट हमें वेदों से मिलता है, तिहाई का कंसेप्ट नाट्य शास्त्र में नहीं है। तिहाई का कंसेप्ट हमें वेद से मिलता है कि किसी भी जी, तिहाई आया ही वहां से है शब्द। मैं बहुत दिन तक खोजती रही क्योंकि सितार में तिहाई हम जरूर इस्तेमाल करते हैं और कोशिश होती है, कभी छोटी तिहाई है, फिर कभी बड़ी तिहाई है, या फिर चक्रधार है, या फरमाइशी है, मतलब कितने तरह से हम उसको बना के लाते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये वेद में पाठ हुआ करते थे, पद पाठ, क्रम पाठ, घन पाठ, जटा पाठ। तो ये जो पाठ थे ये एक्चुअली जो उसके सर्कुलर बनते थे, जो सर्कल्स बनते थे, तो उनको तीन बार कहना है, पांच बार कहना है, तो कितनी बार कहना है, ये जो सर्कल बनते रहे हैं ना, इसके हिसाब से वो तिहाई का त्रिवार जो है वो मुख्य रूप से रहा है। कि पांच वाला भी जो है उसको भी फिर तीन ही बार कहना है तो 15 बना देने हैं। अगर 27 का है तो 9 मात्राओं को तीन बार कहना है तो 27 कहना। तो ये तीन का कंसेप्ट जो है उसका मूल कारण यही था कि संगीत हमारा जो आदि दैविक भी है, आदि भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है, तो तीनों तरह की फल प्राप्ति, चाहे वो दैहिक हो, चाहे वो दैविक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, तो तीन तरह की फल प्राप्ति हमें जब होती है तो उसको त्रिवार जब हम कहते हैं तो मानो तीनों लोकों से जो कल्पना है उसकी हुई है। तो हाई शब्द जो है वो उसमें आता है स्तोभ में, आमतौर पर स्तोभाक्षर जो है उनकी रेपिटेशन होती थी, ऋचाओं को जब गाने के लिए स्तोभाक्षर जरूर जोड़ते थे, तो उनको जब जोड़ते थे उसके साथ हाई, हाऊ, ओहो, वाह, ये स्तोभ चला करते थे। तो संभवतः वो हाई शब्द त्रिवार का कहीं प्रचलन में चला हो, अगर इस तरफ को खोज की जाए, कोई इस पे शोध करेंगे तो शायद बीज रूप हमें तिहाई का कंसेप्ट जाकर के वेदों में अवश्य मिलेगा।
तो ये सब खोजने की चीजें हैं। इसी तरह से ऊर्ध्वकबाजों की बात आती थी, किसी ने कहा अमीर खुसरो ने उसका आविष्कार किया, कई कहते हैं कि ये विशुद्ध भारतीय साज है। तो जहाँ तक ऊर्ध्व अवनद्धवाद की बात है, ये विशुद्ध वैदिक वाद है। इसकी कल्पना दुंदुभी के रूप में वेद काल में की गई है, और उसका निर्माण कैसे करना है, उसका नाप क्या होगा, उस पर चमड़ा कौन सा मढ़ना है, चमड़े का संस्कार सीजनिंग कैसे करनी है उस खाल की, तो और उसको कितना विलेपन भी अगर करना है तो कैसे करना है, और उसको बजाना कैसे है, आवाज उसकी मधुर कैसे हो जो कि सबको सुख देने वाली हो, और उत्साही कैसे हो जो कि विजय को मनाने वाली हो, और ऐसी कैसे आवाज हो युद्ध में जो शत्रु का हृदय दमन करने वाली हो, शत्रु के हृदय को घात करने वाली हो, ऐसी आवाज कैसे करनी है पहला। तो इस तरह का एस्थेटिक्स हमारे अवनद्ध वाक्यों का हमें वेद में मिलता है। मुझे कभी अवसर देंगे तो मैं उसकी चर्चा करूंगी आपको, मंत्र सहित बताऊंगी। अथर्व वेद में 2 सूक्त है पूरे पूरे, जी, 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 जी। और उसमें निर्माण कैसे करना है, बजाना कैसे है, रखना कैसे है, यज्ञों में कैसे लाना है, तो ये जिज्ञासाएं जरूर पैदा होनी चाहिए। और आपके सारे व्याख्यान बहुत ही अच्छे रहे, बहुत स्तरीय व्याख्यान थे, मैंने बहुत कुछ सीखा है ये पूरी की पूरी व्याख्यान माला से, चाहे वो गाने की है, चाहे वो शास्त्र की है, चाहे वो वादन की है, और आज जो आपकी वायलन की थी, इवन उसमें भी संगीता जी ने बहुत ऐसी बातें की जो निश्चित रूप से अनुकरणीय है, और विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, लेकिन हम भी तो स्वयं विद्यार्थी हैं, हम कौन से, हम भी स्वयं शिक्षक हैं अभी, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हैं। ये सब मिल करके एक जो समागम बना है, जो एक यज्ञ रचा है, तो उसमें सभी अंगों का समावेश है। हाँ, नृत्य अंग का नहीं है, शायद वो भी कभी हो जाएगा। तो हाँ, मुझे विधि जी की बात याद है जी, जी, तो नृत्य अंग का भी समावेश जरूर राजेश जी इसको भी देखेंगे जी, जी, तो ये मैं इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करूंगी, और इस यज्ञ में मुझे जो आपने शामिल होने की अनुमति दी है उसके लिए तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने स्वयं बहुत सीखा है, तो मैं शुभकामनाएं दे सकती हूँ, मैं सबके लिए मंगल कामना ईश्वर से कर सकती हूँ। आशीर्वचन जैसा राजेश जी कहते हैं, मैं छोटी हूँ अभी, अभी मुझे और सीखना है और बड़े होना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जरा मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मनीष जी नमस्कार। मैडम पंकज वाला मैडम को नमस्कार, डॉक्टर रानी जोरी को भी नमस्कार, और सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। पंकज वाला मैडम ने इतना अच्छा ताल पक्षी के ऊपर अपना जी बहुत अच्छा उसको विश्लेषित किया आज रोनी जोड़ी मैडम के व्याख्यान को, और जैसा कि उन्होंने कहा कि वो एक भी श्रृंखला छोड़ नहीं रही हैं, हमारी ताल संवाद की श्रृंखला में भी आप हमेशा उपस्थित होती हैं, और जैसा आपने अभी ये भी कहा कि कहीं मौका मिलेगा तो हम ताल पक्षी ऊपर बोलना चाहेंगे, तो मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ हमारे ताल संवाद के पक्ष में, आप अवश्य ताल पक्ष के ऊपर हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे संगीत रसिकों के लिए अगर थोड़ा समय देंगी तो बड़ी हमारी खुशनसीबी होगी। इस पंच के माध्यम से, प्रवीण जी के माध्यम से, मैं आपको उस कार्यक्रम के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ, जो भी आप डेट देंगी, जो भी आपकी व्यस्तताओं के आधार पर, आपकी उपलब्धता के आधार पर हमें अगर आप अवसर देंगी तो हमारा परम सौभाग्य होगा, हमारे सभी विद्यार्थियों का, संगीत रसिकों का भी सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छी बात है। महेंद्र जी के माध्यम से ताल पक्ष को बहुत जानने का मौका मिला जी, 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 आपने वो उनका क्रियात्मक पक्ष तो उनके पास था ही, लेकिन जब शास्त्र के साथ हमने जोड़ा तो क्लास में भी हमने बहुत ऐसे प्रयोग किए, विद्यार्थी जिससे लाभान्वित हुए, और आज भी हम लोग बैठते हैं तो कोई भी बात होती है तो मैडम तिहाई वाला क्या होगा, तो हम तिहाई पे और उसकी तान पे, कितनी तान कितनी तिहाई, कैसे उसका संभाग रखना है, कैसे उसका बैलेंस रखना है, वो नहीं तान इतनी बड़ी होगी तिहाई बाद में 4 मात्रे की आ रही है तो ये हाथी नुमा जो बन जाती है तान, तो जिसकी शरीर तो विशाल काय है लेकिन पूंछ छोटी सी हो गई, तो ये सब विचार मैंने महेंद्र जी के साथ खूब बैठ के किया है और अभी जारी है सफर, अभी भी करते हैं, तो मेरा कुछ कुछ और विश्वास और कुछ और दृढ़ विश्वास है कि ताल के बिना अगर कोई गाता बजाता है तो वाकई ही वो है जैसे पंगू कोई चला जा रहा है, अगर ताल का संबल मिल जाए तो आदमी चलता भी है,
जॉगिंग भी करता है, दौड़ता भी है और फाइनली जीत भी जाता है। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी शीघ्र ही आपका व्याख्यान आयोजित करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं कई जब भी चंडीगढ़ जाता हूँ आपसे आशीर्वाद लेने जरूर जाता हूँ, और जब भी चर्चा होती है, क्योंकि मैं भी वैदिक परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी भी पारिवारिक परंपरा वैदिक से जुड़ी हुई है, और मधुसूदन ओझा जी से मैडम भी जुड़ी हुई है, और मेरी पारिवारिक परंपरा भी जुड़ी हुई, तो हम काफी चर्चा होती है, और मुझे बड़ी खुशी होती है उनके पास जाके इतना ज्ञानार्जन होता है। हम बहुत बहुत आभारी है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे आज के इस व्याख्यान के दोनों वक्ताओं के लिए और आगंतुक अतिथियों के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहे और अभी वर्तमान में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हमारे परशुराम पौड़ेल जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हमारे अतिथि उनका आभार धन्यवाद ज्ञापित करें। जी नमस्कार, सुनाई दे रहा है ना गुरु जी? हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छे से वो नहीं, लगा के रखो, वो मेरा साउंड बंद था ना, इसलिए ऐसा था। आवाज आ रही है? अच्छा। मैं सर्वप्रथम तो सभी गुरुजन जो बीएचयू के हैं, सर्वप्रथम गुरु, मेरे गुरु प्रवीण उद्धव जी, साथ साथ में वीरेंद्र कुमार मिश्र जी, राजेश शाह जी, संगीता पंडित जी, संगीता सिंह जी, जो जो वहाँ अभी ये कार्यक्रम को चला रहे हैं, डॉक्टर सोना कुटिया जी, तो कार्य जो संगीत का जो भाग्य है इसको चला रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत कार्य है। और इस COVID-19 की वजह से जो पैंडेमिक जो चल रहा है उसमें ऑनलाइन के जरिए जो इतना ज्ञान प्रवाह हो रहा है वहाँ से, इसके लिए हम सभी जो भी विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, जो भी हैं, आप सब लोगों को एकदम से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसके लिए ये कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये बहुत अतुल्य है। और जो आज की संदर्भ में जो तिहाई के विषय में संदीप घोष जी, पंडित संदीप घोष जी, और नाट्य शास्त्र में जो ताल के विषय में जो जो व्यवस्था हुई है डॉक्टर रेणु जौहरी जी मैडम, उन दोनों विद्वान जनों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ शब्द ही है। और ये जो कृतज्ञता रूपी जो माला है उन दोनों और आप सब गुणी जनों को प्रदान करते हुए धन्यवाद। धन्यवाद परशुराम। हमारे ये जो व्याख्यानमाला है इसको नेपाल में भी सुनी जा रही है और वहाँ के भी सभी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, सभी गुणी लोग जुड़े हुए हैं, गुणी कलाकार जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है और हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आज का समय बहुत ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी हमारे साथ डॉक्टर जय सेवक जी, मनीष करवड़े जी, महेंद्र प्रसाद शर्मा जी और राकेश कुमार जी, श्रुति वर्मा, अजय कुमार शर्मा, हमारे संकाय प्रमुख तो तीनों सेशन में सुबह से लगे रहते हैं, तो सुबह से लेके शाम तक किस तरह से उनका होता है। आज ही सुबह उनसे बात कर रहा था तो मैं ये कह रहा था कि सर बस अब कल और है, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं और भी आगे हम लोग इसको आयोजित करेंगे। तो हमारे अच्युतराम भंडारी जी, हमारे डॉक्टर प्रेम किशोर मिश्रा जी और हमारे पंडित केशव तलेगांवकर जी, हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर संगीता सिंह जी, डॉक्टर अनिल शर्मा जी, ऐसे कई विद्वान लोग हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे महेंद्र प्रसाद शर्मा जी, सबको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे आदरणीय डॉक्टर मुकेश गर्ग जी भी हम लोगों को सुन रहे हैं, उनका वीडियो ऑफ है लेकिन वो हम लोगों को सुन रहे हैं, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं सबका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि कल भी आप सब लोगों का इसी प्रकार से
आशीर्वाद मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा। हम प्रोफेसर गौरांग भाव सर जी जो हमारे साथ शुरू से लेकर अभी तक जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आ गए हमारे मुकेश गर्ग जी, सादर प्रणाम करता हूँ मैं उनको। और संगीत की दुनिया में अपने क्रांतिकारी विचारों से आप हम लोगों को खूब आनंद देते रहते हैं और हम बहुत आनंद लेते हैं, और आपके लॉजिकल थिंकिंग आपके उसके हम कातिल हैं, और आप हम लोगों को हमारा व्याख्यान सुनते हैं, इसके लिए हम बहुत बहुत हृदय से आभारी हैं। हम चाहते हैं दो शब्द आप जरूर हम लोगों के लिए आशीर्वचन। आप मेरा आभार व्यक्त कर रहे हैं प्रवीण जी। जी सच बात ये है कि मैं आपके द्वारा किए हुए कामों से इतना ज्यादा प्रभावित हूँ कि मुझे अगर नींद भी आ रही होती है तो वो मैं नहीं लेता। मुझे हर वक्त एक एक शब्द सुनने का मन करता है और मुझे लगता है कि मैं कितना खोखला हूँ। ये सब ज्ञान अगर मुझे न मिले तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, और अब मुझे एहसास होता है कि मुझे वास्तव में कुछ नहीं आता। तो ये आप ही ने एहसास कराया है मुझे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने गजब का काम किया है और मैं नतमस्तक हूँ आपके आगे। आप आए, और हम ये जानते हैं कि आपको जब जो भी विषय दिया जाता है और आप उसके ऊपर जो आपका देखने का जो दृष्टिकोण है, आपके जो सुलझे विचार हैं और उसमें रूढ़ियों के ऊपर जो हमले हैं उन सबको तो हम लोग तो आपके बहुत वो हैं, और हम मुझे पता है कि आपका सभी विषय में दक्षता है, और क्योंकि आप उसको गहराई से सुनते हैं, ऐसे श्रोता के रूप में आपने मुझे लगता है कि इतने गहराई से संगीत को सुनने वाले जो बहुत इनगिने चुने लोग हैं उनमें से एक आप हैं। तो ये हम लोगों का सौभाग्य कि आप हमारे समक्ष हैं। हम लोगों के ये हमारी बीमारी है, असल में हम उस बीमारी से ग्रस्त हैं, इसलिए सुनना पड़ता है, करें क्या। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी इस संगीत प्रेमियों का फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम कल पुनः हम इस व्याख्यान माला में, आज वायलिन का भी है कल और तबले का कल आखिरी व्याख्यान है। मैं डॉक्टर शोभा कुडेसिया जी मैडम को भी, वो मैं पहले भी, आप हर रोज आ रही हैं मैडम, हमारी तबले के क्षेत्र की बहुत सीनियर मोस्ट प्राध्यापिका हैं, और आप रोज आती हैं। मैं एक दो बार कोशिश भी किया आपसे संपर्क करने की, जरा मैडम को लेके आइए। तो आप आई, बहुत बहुत हृदय से आभार। मैं तो चाहता था कि आपका भी व्याख्यान हो, लेकिन मुझे पता चला कि कुछ आपकी व्यस्तता भी थी, तो मैं एक मिनट उनको सबके जी जी साउंड खोलने के लिए आप उधर से अनम्यूट कर दीजिए अपने साउंड को। हाँ कर दिया सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत नमस्कार। ये आपने मुझे याद किया, नहीं तो लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते। आपको भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं, केशव तलेगांवकर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, और जब से व्याख्यान माला चल रही है लगातार आपके संबंध में भी बात होती रहती है, और आपकी असल में परेशानी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम, हमारे भाई बहुत बीमार हैं। जी जी, मुझे ये बताया गया। हाँ बस ऐसे ही रहता है, चलते फिरते देखते रहते हैं ऐसे काम। केशव जी ने भी बताया, मुझे प्रोफेसर मिनिलू शर्मा जी ने भी बताया, परेशान, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों के लिए समय निकाला। आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मैं सभी जी 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 सर सर आदरणीय मुकेश जी हैं। सुबह आपने कहा था जी कि जीने नहीं देंगे क्या, तो मैं कल से दो व्याख्यान माला सुबह वोकल की जी जी, और शाम को 6 बजे से बांसुरी की जी जी, और शुरू हो रही है, आप लोगों के साथ की जरूरत है। कल नित्यानंद जी, पंडित नित्यानंद हल्दीपुर का है 6 बजे, और सुबह वोकल की 11 बजे जी 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 जी। सभी लोग, मुझे लगता है सब लोग आएंगे। अभी तो जिस तरह का तनाव चल रहा है,
अभी भी पिक पॉइंट पे है कोरोना बनारस में, तो ये स्थिति है कि हम लोग सुबह से व्याख्यान में जुड़ जाते हैं तो हम वो टेंशन से तरफ देख ही नहीं पाते, नहीं तो कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं। हमारी विभागाध्यक्ष के तो बिल्डिंग में ही एक डॉक्टर को कोरोना हो गया है, तो उनकी बिल्डिंग को तो पूरी तरह से बंद कर दिया है चारों तरफ से, उसके बावजूद भी वो भूल जाती हैं कि हम लोग, क्योंकि हम इस व्याख्यान माला में जुड़े रहते हैं और ऐसे ऐसे गुणी लोगों को के दर्शन इसमें हो जाते हैं, तो हम लोग बहुत आभारी हैं आप सब लोगों के, आप सब लोगों के सहयोग की वजह से ये हो पाया और हो ये चल रहा है। मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ हम सभी गुणी लोगों का, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ और हम लोग कल पुनः उपस्थित होंगे सब। आपकी आवाज बंद हो गई, रमन जी सुन पा रहे हैं? शायद नेट की प्रॉब्लम है। मैं उनकी तरफ से सभी को पुनः हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, कल हम लोग फिर से 11 बजे मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रवीण जी सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी मैं सुन रहा हूँ जी, मैं सबको धन्यवाद दे दिया सर, थैंक यू बोल दिया सर। जी जी ठीक है ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।